अल्हम्दुलिल्लाह। प्रणाम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटे। पाई लाखू बाबूजी। जीते रहो बेटे। नमस्ते बाबू। नमस्ते। राम राम बाबू। राम राम मेरी बच्ची। नमस्ते जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लातूर से आ रहे हैं। क्या चाहते हो? अपने पोते को आपके अनाथ आश्रम में देने के लिए आया हूँ। क्या नाम है इसका? आप ही एक अच्छा नाम रखिए और आशीर्वाद दे दीजिए। आप लोग ब्राह्मण हैं? जी नहीं, क्षत्रिय हैं। नरसिंह प्रताप। इसके माँ बाप? जब वो 2 महीने का था तो वो चल बसे। तो मत, आज से हम इस बच्चे का ख्याल रखेंगे। सरस्वती जी बाप, इस बच्चे को अंदर ले जाओ। लक्ष्मण जी, एक कागज पर इनसे अंगूठी का निशान ले लो। बापू। गुड मॉर्निंग बापू। हाँ बेटे बोल, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ एक मिनट। हाँ शिंदे, क्या कोई इमरजेंसी है? जी बापू जी। फिक्र मत करो। सुनो बेटा, इस बुढ़े को मारने से रमन नायक को क्या फायदा हो सकता है? बापू प्लीज, चूंकि आप उन ड्रग ट्रेडर्स के खिलाफ हैं इसलिए वो लोग। डोंट वरी, आई विल बी सेफ। ओके बापू प्लीज, कैन आई गो विद यू? नो, खुदा मेरे साथ है, तुम जाओ। गाड़ी उस तरफ ले जाओ।
ले चलो जल्दी उठा। अरे राम राम राम, फोन बज रहा है इतनी देर से, कोई नहीं है क्या फोन उठाने वाला? अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो कोई फोन नहीं उठाता। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, रुको। ये हमीद भी किधर गया पता नहीं। दुनिया में कहीं भी जाओ हर कोई यही बोलता है, मलयालीस को मैनर्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। हत्यारे, लुटेरे, खून खराबा, नमक हरामी। मुंबई डिप्टी पुलिस कमिश्नर किरण गोरे ने कहा कि अमित भाई मुंबई से मैडम। इतना सुबह सुबह मैडम का फोन? जी बोलिए मैडम, मैं हमीद हूँ। कब हुआ मैडम, कैसे हुआ? हाँ मैडम, अभी बताता हूँ मैं। या खुदा, अभी क्या हो गया? अरे क्या हुआ बोलो तो सही। रमन जी बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? रमन जी, मुंबई में बापू का किसी ने, हे भगवान क्या हुआ उन्हें? हाँ अभी मुंबई से मैडम का फोन है। क्या बताया? मुंबई में बापू को किसी ने मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गए। क्या हाजी मुस्तफा पर हमला, क्या कह रहे हो? राम राम राम, कैसे विश्वास करूं मैं उसे, इस हमले के बारे में कैसे बताऊंगा, इस अनर्थ के बारे में मैं उसे कैसे बताऊंगा? हे भगवान, जरा पकड़ो इसे, फोन आया। हाँ हेलो, वर्मा हियर। अच्छा बोलिए जी, बापू कैसे हैं जी? जी एक मिनट, हॉस्पिटल से आईजी श्रवण कुमार शिंदे तुरंत भाई से बात करना चाहते हैं। हेलो आईजी साहब। छे, इसे अभी कटना था। अरे जानता हूं तू इसके पीछे पीछे जरूर आएगी क्योंकि तू इसके बिना रह ही नहीं सकती है ना? हाँ भाई इधर ही बैठा है। हाँ आओ आओ जी। क्या हुआ? श्री एलमदूर कृष्णावरम गोविलत विशाहम तिरुनाल शेखर वर्मा रामन वर्मा तिरुमल पाल, सुबह सुबह क्या खबर लाए हैं? कुछ परेशान दिख रहे हैं। वो मुंबई से। हाँ मुंबई से। जकीर भाई वो बात क्या है रमन भाई? वो क्या है, अभी अभी मुझे मुंबई से एक फोन आया था और आईजी श्रवण कुमार संदे बता रहे थे कि किसी ने वहां बापू को गोली मार दी। रमन जी नहीं हुसैन जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है, प्लीज। हमीश भाई चिंता मत करो भाई, एक गोली उनके बाजू में लगी है बस उतना ही। फिर दोबारा भी मुंबई से फोन आया था, बापू ठीक है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि बापू को कुछ नहीं हुआ। हेलो बोली शिंदे जी, एक मिनट शिंदे जी अभी देता हूँ। हॉस्पिटल से बापू बात करना चाहते हैं, जल्दी बात करो, जल्दी करो। हेलो मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, मुझे बताइए बापू कैसे हैं? जाकिर भाई नथिंग टू वरी अबाउट इट, बापू इज ऑल राइट, इट्स जस्ट अ माइनर। देखो मुझे सच सच बताओ बात क्या है, सुनो मुझे सच सच बताओ। देखो जाकिर भाई प्लीज, एज आई टोल्ड यू इट्स जस्ट अ माइनर इंसिशन एंड बापू इज इन परफेक्ट कंडीशन। गुड मॉर्निंग। अच्छा शिंदे जी। हेलो, अरे शिंदे। हेलो शिंदे। एक मिनट जाकिर भाई। कौन है लाइन पे? शाकिर जी। लाओ जी। हेलो शिंदे। अरे भाई मैं शिंदे नहीं शकीर भाई,
मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर मोहन मधेकर, आपका दोस्त। हाँ मैं जाकिर हुसैन, बोलिए मंत्री जी। क्या बोलने का शकीर भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है तेरा बापू। अरे फिर एक बार बच गया बुड्ढा साला। देखो शकीर भाई, घबराने की कोई बात नहीं, द ओल्ड मैन इज टू फिट यार। अरे हमने सोचा था इस बार हमें रेत खरीदनी पड़ेगी, बट द ओल्ड मैन इज फिट लाइक ए हॉर्स शकीर भाई। शट अप यू इडियट। क्या? आई से शट अप यू कमीने। ए सुनो शकीर भाई, मैं मंत्री हूँ। चुप साले, तेरी तो काहे का काहे का मंत्री रे। क्या बोला? फोन दे शिंदे को। शकीर भाई एक मिनट। थैंक यू सर। सॉरी जकीर भाई, आप बोलिए। इट्स ऑल राइट शिंदे, बस बापू से बात करो प्लीज। श्योर। बापू, 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 कोचीन से जकीर भाई का फोन। हेलो बापू। हाँ बेटे बोलो। आप कैसे हो बापू? बेवकूफ, इस पर रोने की क्या बात है, कुछ कुछ नहीं हुआ तेरे पापू को। बेटे बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई तकलीफ नहीं है तेरे पापू को। हाँ बापू। और फिर सुनो बेटे, जो मेरे साथ हादसा हुआ है इसका असर किसी भी बेगुनाह पर नहीं पड़ना चाहिए, यह जिम्मेदारी तुझ पे है। सिर्फ सुनना ही नहीं, इस पर अमल भी करना है मेरे बच्चे, सुन रहे हो ना? हाँ बापू, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तू कोई गलत कदम कभी मत उठाना, वरना बेटे मुझे लौट के आने में बहुत तकलीफ होगी, इस बात को ध्यान में रखना। और सुनो बेटे। बापू प्लीज, यू आर नॉट सपोज्ड टू। और सुनो बेटे। हाँ बापू सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलने वहाँ पर नहीं आऊंगा, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, समझ गए ना? जरूर आऊंगा बेटे। प्लीज बापू, गेट वेल सून। जीते रहो। मैं तो डर ही गया था कि अगर तुम वहां गए तो भगवान जाने क्या होगा, पर शुक्र है तुम देखना बापू जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और तुमने बापू की बात मान के बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। वो लोग कोचीन से आने वाले एयर पैसेंजर्स का लिस्ट चेक करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से मैंगलोर तक रोड से जाएंगे और उसके बाद मुंबई। आफ्टर लॉन्ग 6 years। रमन जी कॉल गौतम। देखो ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लो। वर्मा जी प्लीज। Yes. कोशिश करते रहो, वो स्विमिंग पूल में होगा। After a long time, Ramanji. I am fine. Hold this line, please. Gautam, it's me. Oh my God! Phone पर मेरे साथ इतना बड़ा Don बात कर रहा है? मैं सपने में भी विश्वास नहीं कर सकती थी, dear Don. So,
कम ऑन टेल मी डॉन, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओके, मुझे जानना है कि ये सब किसने किया, रमन नायक ने या रेडी ग्रुप? वन मिनट डॉन। हेलो कौन? ए पवन, अच्छा सुनो, ये हाजी मुस्तफा हिट किसने किया बाबा? अरे हमको क्या पता मैम साहब। अरे बोल साले बोल, किसने किया? रमन नायक? रमन नायक? अपन को क्या पता मैम साहब, अपन को क्या पता, अपन को कोई खबर। अच्छा, ए डॉन, इट इज रमन नायक। या वर्मा जी, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन का क्या हुआ बताइए मुझे। फोन नहीं लगा। लगे फिर लगा। अब तुमने जाने का पक्का फैसला कर ही लिया है? हाँ। ए, ये सब क्या हो रहा है रमन भाई, आप रो क्यों रहे हैं? एक क्षत्रिय का इस तरह रोना क्या शोभा देता है? हाँ? भगवान तेरा शुक्रिया। हाँ, जाने दीजिए, मैं उन सब चीजों से दूर था, है कि नहीं? ओहो। लाओ दो। लगता है आपने इसे पूजा की जगह पे ठीक से संभाल कर रखा है ना? मैं हिंदू नहीं हूं, क्या यह अशुभ हो जाएगा? समझ में नहीं आ रहा कहां रखें। ए सुंदर। हाँ रमन जी। ले ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखो, तुम्हारे काम आएंगे। रमन भाई। हाँ। वो सुंदर मंगलूर तक तुम्हारे साथ जाएगा और वापस आने तक वहीं रहेगा। आपको याद है रमन भाई, 6 साल की उम्र में मैंने यह जगह छोड़ दी थी, मदुराई, शिवाकाशी, नागापट्टनम और राजमंड्री। उसके बाद 12 साल की उम्र में मैं मुंबई पहुंच गया था। वहां पर मैंने उन पुलिस वालों को मारा जो कि मेरा पीछा कर रहे थे। भागते भागते मैं थक गया था और उसके बाद मैं रुक गया एक सज्जन मलयाली टैक्सी ड्राइवर के पास। ये वही गाड़ी है ना, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन MRJ 6210। जब मैं बुरी तरह जख्मी था तो उसने मुझे गले लगाया और वहां से उठाया। क्या आप लोग जानते हैं कि वहां के लोगों ने मुझसे कैसे बात किया, क्या बोला? मालूम है, साले बदमाश हरामी। हाँ, साले बदमाश कामचोर कमीने। और पूछा, तुम मलयाली हो ना? हाँ, तू ही है ना? और फिर उसके बाद उससे मुझे मिला 1 बोतल खून और 9 ब्रेड का पीस, पाव भाजी, साथ में 1 ग्राम लीकर, बिल्कुल मुफ्त। याद है ना तुम्हें वो सब? वो मुंबई महानगर की पहली रात और वो रूम पार्टनर। सुंदर, इसको अंदर रख।
जिंदगी में पहली बार गुनाह मैंने वही किया था, शूट नहीं किया था उसे। आधी रात को, वो भी कम रोशनी में। हमीद दारू के नशे में चूर था, बिल्कुल टुन था। वैसे हिल रहा था जैसे रेलवे यार्ड में गाड़ी हिलती है। उसके बाद मैंने कोट पैंट सब उतारा, बैक सीट पर फेंका और नंगा नंगा हो गया। विविध भारती पर आ रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू भीष्म। तीन बार उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसके बावजूद मैंने उससे कुछ नहीं किया था। अगर उसने इस बार बापू को, रमन भाई, 6 साल पहले मैंने आप सब लोगों के सामने बंदूक और हथियार को छोड़ने का फैसला किया था, सारे गुनाह से तौबा करने का फैसला किया और उसके बाद मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दिया। यहाँ कोचिन में आने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, पर लेट डेस्टिनी डिसाइड। अल्हम्दुलिल्लाह। रमन भाई, कॉल अर्जुन। हेलो 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 अज्जू। हाँ साले कुत्ते, चिल्लाता क्यों है फालतू में? गाली दे रहा था ना, पहचाना नहीं होगा उसने आपको, क्योंकि वो दारू के नशे में फुलटू होगा। अरे कौन है? ए अर्जुन। जकीर भाई। हाँ अर्जुन, जाकिर हुसैन। जकीर भाई, मैं अबे उठ साले उस 2 टके के लौंडिया के पास से। हाँ हाँ जकीर भाई। हाँ अर्जुन, अब बाहर आ रूम से। हाँ जकीर भाई बोलिए। हाँ अर्जुन, आई एम कमिंग बैक। जकीर भाई। हाँ छोटू, कुछ समय के लिए वापस आ रहा उस शहर में तेरा जकीर भाई। हाँ भाई। हाँ। और हमारा पंजा होगा रमन नायक पर भाई। समझ गया ना भाई? ए अर्जुन, क्या हो रहा है यहाँ? अरे चुप, जकीर भाई ये लाइन पे। हाँ भाई बोलिए। कल शाम होने से पहले भांडुप के शमशान घाट पर रमन नायक की पूरी फैमिली और उसके सारे सगे संबंधी उसकी चिता पर लकड़ी और चंदन सजाने से पहले, आग लगाने से पहले, उसकी आत्मा की शांति के लिए हाजी मुस्तफा ट्रस्ट की ओर से उसको श्रद्धांजलि देनी है। क्या भाई? हाँ, महालक्ष्मी के किशनलाल की फूल की दुकान पर ऑर्डर बुक करो, ताकि उसे अलविदा कहें और उसकी आत्मा शांति से परलोक पहुंच जाए। समझ गए? हाँ भाई समझ गया। ठीक है, तो अब चले पेटू। नहीं बेटा नहीं। ये लीजिए। नहीं, अगर रमन नायक को पता चला कि तुम तो वो। जानता हूँ वर्मा जी कि इन 6 सालों में रमन नायक की हैसियत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर। सेंट्रल जोन से लेकर वेस्टर्न जोन तक, बोरीवली से लेकर मुंबई CST के हर गली में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसके गैंग में ट्रेंड लोगों की भरमार है, उसके गैंग में आत्मघाती लोग भी हैं। सफेद पोस्ट नेताओं का आशीर्वाद है उसके ऊपर, वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। इधर मारूंगा मैं उसे, या फिर इधर से गोली डालूंगा मैं उसके अंदर, और फिर उसके भेजे के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे चारों ओर। आपको कोई शक है? अरे अरे रोना मत बेटा, रोना मत। अरे राम राम। क्या बे मोटू, चले चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा। प्रभु रक्षा करना। We'll be right back.
நாடு முழுதும் நின்னடி மின்னல் தலச்சுவடில் நீயாய் परमवीर परमवीर प्रताप सिंह, रमन नायक के शार्प शूटर, दूर से भी तो बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है ना। बोल, रमन नायक कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बापू पर जब तूने पहली बार गोली चलाई थी तो तेरे हाथ नहीं कांपे थे कमीने? बता, किस हाथ से तूने बापू पर गोली चलाई थी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल साले, किस हाथ से गोली चलाई? दाहिने या बाएं? मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल, कमीने की औलाद कहाँ है रमन नायक? मुझे नहीं पता। पता नहीं, पता नहीं। बोल बोल कमीने, सिंगापुर, सिंगापुर। जिंदगी में आखिरी बार तू साले किसी के सामने झूठ बोल रहा है। विक्रम, कुछ सुना क्या? कुछ नहीं रमन भाई। सुना है कि जकीर हुसैन साला मुंबई 6 साल के बाद आया है, आफ्टर 6 years। और साला कल रात ही अपने वीर सिंह को, अपने वीर सिंह को टपका दिया। रमन भाई, मुझे अबे गांजो चिल्लाता क्यों है? मुझे उसे बचा लो रमन भाई। चुप भाजा, चुप। ये क्या, ये क्या साला मार खा के आया? किसके हाथ से मार खा के आया? अबे बोल, किसके हाथ से मार खा के आया? वो आ रहा रमन भाई। कौन? जकीर हुसैन। जकीर, विक्रम ढूंढो से। जकीर, बाहर आ जा रामजादे। जकीर सामने, जकीर हुसैन सामने आ। साले साले जकीर हुसैन औरत की तरह छुप के गोली क्यों मारता है? आज मर भाई तो जकीर हुसैन, आज तुझे रमन नायक गोली से नहीं सिर्फ अपने हाथों से मारेगा। बाहर आ जाओ जकीर। साले आ गया जकीर अली हुसैन। भाई याद है तुझे, 6 साल पहले जब मैंने तेरे सर पे गन रखा था और तुझे खत्म कर देना चाहा था तो बापू आए थे बीच में और तुम बच गए थे और बापू जबरदस्ती गन मेरे हाथ से ले लिए थे।
वही बापू जिन्होंने मुझे अंडरवर्ल्ड छोड़ देने के लिए मजबूर किया और मुझे कोचिन वापस जाने के लिए कहा। वही बापू जो गरीब दुखियों के लिए हाजी मुस्तफा ट्रस्ट चलाते हैं। साले कुत्ते रमन नायक, याद है तुझे? याद है कि नहीं? जाने से पहले मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि अगर किसी ने भी बापू के खिलाफ जाने की जरूरत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाकिर हुसैन के पिता तुल्य बापू पर अगर किसी ने भी आंख उठाई तो मैं वापस आऊंगा। बोला था ना तुझे ये जाकिर हुसैन ने उस बापू को मारना चाहा जिसने तेरी जान बचाई। नहीं कमीने, अभी तूने बोला था ना कि हाथ से लड़ेगा। तूने जाकिर हुसैन को चैलेंज किया था ना, ये पकड़ो। हाँ भाई। नाउ कम ऑन सन ऑफ बीच, मारो मुझे। आज साले मार कर खत्म कर मुझे। कम ऑन। जीने दिया तो फिर से तू बापू को मारने की कोशिश करेगा और उसके बाद तुम्हारा कोई चहेता मिनिस्टर तुझे जरूर बचा ले जाएगा। और ऐसा कुछ ना हो इसलिए तुझे गोली मार के तेरी लाश को रेलवे ट्रैक पे सड़ने के लिए फेंक देना चाहिए। ला गंदे तो हे भगवान, उन्होंने कल बताया कि सुबह सुबह मंगलूर से निकलूंगा, किधर है वो? फोन पर भी नहीं मिलता। अब मैं ऐसे में क्या करूं? क्या करूं मैं सिवाय उसके इंतजार के, क्या करूं? ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे सुनाई नहीं देता क्या? नीचे उतरो। हाँ तो बच्चों, क्या प्रॉब्लम है भाई वो? हाँ तो बीड़ू, अभी कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? 10 मिनट और लगेगा। ओके, 10 मिनट के लिए मैं सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, समझ गए? हाँ, ओके। सर, अंदर कौन है? अरे ये तो कोई बड़ी हस्ती है। तू बीच रोड पर खड़ा मत कर, साइड में लगा। धत तेरी की। अरे इधर खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा उधर देख, जा जल्दी देख। अरे गाड़ी साइड में लगा वरना। अरे रुको ना एक मिनट।
भाई सॉरी उसको मालूम नहीं। पीछे बैठे। देखिए सुनिए, आप लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाइए। एक नई एएसपी आई है, बहुत स्ट्रिक्ट है। नई आई है एएसपी मैडम, प्लीज जल्दी जाइए। मैं तो उसे ताने नहीं वादे अड़ जोड़ने करने बंदी उड़ा मरते पो। ओके ओके सर, जा रहे हैं जा रहे हैं। ए रुको रुको रुको। ए कम आउट। ए स्टॉप इट स्टॉप इट यू ब्लडी। ये ए बिड़ू कूल डाउन कूल डाउन। ए मैंने तुझसे बाहर आने के लिए कहा ना, चल बाहर आ जा। मैडम मैडम क्या है? ये बहुत बड़े आदमी है मैडम, इनको रोकेंगे तो हमें तकलीफ होगी। ओहो हो, अंदर जो बैठा है वो कोई वीआईपी है क्या? अरे मैडम शट अप, तेरे से पूछा ना अंदर कौन बैठा है बोल। जाकिर भाई। क्या कहा? जाकिर हुसैन। कौन है वो, कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या? ए, समझ में नहीं आ, ए, 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 क्या कर रही हैं आप? डराइए मत डराइए मत, ये तो अपना भोला मासूम बच्चा है, डर जाएगा। नहीं, एंड हु द डैम आर यू? मेरा नाम है जाकिर, जाकिर अली हुसैन। ओहो द ग्रेट डॉन, आई कांट बिलीव दिस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तुम्हारे बारे में मैंने काफी पढ़ा, द अंडरवर्ल्ड डॉन इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन में। उस वक्त की हिंसात्मक घटनाओं की वजह से वो बॉम्बे छोड़कर सुना है केरला के कोचीन शहर के छोटे कस्बों में आकर बस गया। मगर मुझे तो चार्ज लिए सिर्फ 3 दिन हुए और तुम मेरे सामने हो, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। व्हाट अ शॉकिंग सरप्राइज, ओह गॉड। सो मिस्टर जैक ये क्या है? ये तो एएसपी मैडम का गहना है, है कि नहीं? यू शट अप। ए जो पूछ रहे वही जवाब दो, ये टैक्सी के अंदर क्या है? हाँ बोलो। कम से कम रोल्स रॉयल्स या मिनिमम मर्सिडीज बेंज में सफर करना चाहिए तुम्हें, मगर तुम तो टैक्सी में, द ग्रेट जॉन, व्हाई टेल मी व्हाई इन दिस डर्टी कैब? वो क्या है ना मैडम कि कल शाम को जब हम लोग मैंगलोर से निकले थे तो मेरा रोल्स रॉयस बीमार था और उसका नाक भी बंद था। मिस्टर बेंस का तो पेट खराब था और वो चलने की स्थिति में नहीं था। अरे पेट खराब होने का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ लूज मोशन, लूज मोशन मतलब डायरिया। तो हमने बेंस को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके बाद हमने मजबूरी में इस टैक्सी को बुक किया। शट अप। इस टैक्सी में क्या है बोलो? गोल्ड या ड्रग्स? अरे खूबसूरत पापलेट। यू शट अप रामचंद्र। यस मैडम। कम ऑन चेक द व्हीकल, चेक द होल व्हीकल। मैडम देखो टैक्सी के आगे टैक्सी के पीछे एक एक कोने की अच्छी तरह से तलाशी लो, समझ गए? यस मैडम। महाराष्ट्र का आरटीओ परमिट लेकर केरला लिमिट में आराम से घूम रहे हो। ए गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? क्या मैडम बुक पेपर, ये सब क्या होता है बताएंगे? व्हाट? ऐसा है मैडम, 6 साल से इस टैक्सी को रोड पर मैं ऐसे ही चलाते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक इस मलयालीस को किसी ने कुछ नहीं पूछा। ऐसा है क्या? डिपार्टमेंटल कमजोरी का फायदा उठा रहे हो, यही तो असली प्रॉब्लम है ना? पूरे 6 साल हो गए इस शहर में घूम रहे हो, ही विल स्टे एंड यू कैन गो। देखो यहाँ कई गाड़ियां हैं, उससे जा सकते हो, बस स्टॉप भी है, गो गेट अ बस। ए रामचंद्र कम ऑन फिनिश अप फर्स्ट। अरे छी छी। ए मिस्टर व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हां नथिंग मैम नथिंग। ए बिडू इधर आ। जिप। क्या जिप? ए अरे जिप खुली है। ए बिडू इधर आ इधर। अरे पापलेट मच्छी ने अपने ट्राउजर के ऑफिस को क्लोज नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो? अरे उधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। ठीक है ठीक है। ए जाकिर हुसैन व्हाट्स गोइंग ऑन? कम ऑन टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। अरे कैसे कम ऑन कैसे बताओ मैडम, वो क्या है ना कि मैंगलोर से निकलते वक्त हम लोग डोर लॉक करना और जिप बंद करना भूल गए। मेरा मतलब है कि डोर लॉक करना और जिप बंद करना दोनों भूल जाइए। What? मेरा मतलब है कि जिप करना और डोर लॉक करना, नहीं नहीं मेरा मतलब है कि जिप लॉक करना ऑफिस का, भूल गया मेरा बच्चा। माइंड योर एक्सप्रेशंस रामचंद्र, कम ऑन टेक हिम, एज आई सेड यू कैन लीव, वी आर अरेस्टिंग हिम। और वो किस चार्ज में मैम? प्लेंटी। एक तो प्रॉपर पेपर्स नहीं है, स्टेट लिमिट क्रॉस किया है तुमने, टैक्सी के पूरे पेपर्स नहीं है, मुझे एडी कह के मुझसे मिसबिहेव किया। क्यों बहुत घमंड है ना तुझे, देखो कैसे चार्जेस लगाते हो। एनीथिंग एनीथिंग आई वांट टू डू रामचंद्र। अरेस्ट दिस फेलो। ए मेरी बात सुनो मैम। शट अप। ए उसको हटाओ।
आई थॉट इट्स अ ब्लडी मिनिस्टर। अच्छा तो वो मंत्री है इसलिए लॉ को तोड़ सकते हैं। कहाँ गया आपका ट्रैफिक का रूल्स? ए यू, अगर मंत्री महोदय रूल्स तोड़ सकते हैं तो कोई भी रूल्स को तोड़ सकता है। यहाँ तो हर वो आदमी रूल्स को तोड़ सकता है जिसके पीछे कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन आम आदमी वो काम नहीं कर सकता, जबकि कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना? विल यू प्लीज शट अप यू। हिम्मत है तो जा और जाकर उसे अरेस्ट करो। तुम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैम, तुम लोगों की सर्विस डिक्शनरी में सिर्फ मेडल और स्टार का वैल्यू होता है ना? हम जैसे आम लोगों के लिए हजारों रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सिगरेट नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते, साइकिल पे ज्यादा लोड नहीं रख सकते, खुले आसमान के नीचे चैन से सांस भी नहीं ले सकते सरकार की इजाजत के बगैर। ऐसे नियमों पर थूकता है जाकिर हुसैन। अरे जाओ, जाकर पहले उसे पकड़ो और उसके गाल पे ये एक तमाचा जड़ो। है हिम्मत तुम में? उसको पकड़ के नजदीक के बस स्टॉप पे लेके जाओ और उसे ये बताओ कि तुम आम पुलिस ऑफिसर्स के जैसी नहीं और अपना पीठ थपथपाओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, सिंस द लॉ इज ऑलवेज एबव द लॉ, है ना? मैडम, जिनके पास अधिकार है वो कुछ भी कर सकता है। हर मार्ग उसका अपना मार्ग है, उसके लिए कोई नियम और कानून कोई मायने नहीं रखती है, जबकि हम जैसे आम इंसानों के लिए ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। कानून को नजरअंदाज करने वाले के पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेरी सोच है, योर लॉ इज बिलो दैट लॉ, देन आई एम अबव एवरी लॉ। ओके अमित जी, साकी भाई, भाई प्लीज, एक मिनट, आई मस्ट टॉक टू यू, कम। You please bloody idiot, leave me. देखो मैं तुम्हें सबके सामने जलील होने नहीं देना चाहता माया मेम साहब। Zip up. What? Zip up. हो गया? Shut up you stupid fool and get lost. Hey Maya Mem साहब, don't call me names and don't call me Zack. अगर बुलाना ही चाहती हो तो अली बाबा कहकर बुलाओ। Get lost, I said. तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने मुझे यह नाम दिया था। What do you mean? हाँ, 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी मुंबई आए थे। He is a great planter, chairman cum wholesale rubber dealer and great contractor, है तुम्हारे पिताजी। मुंबई में एक टायर लॉबी का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए मेरे बापू ने मुझे बोला था, हाजी मुस्तफा ने, और तुम्हारे पिताजी को 40 लाख रुपए मिले थे, और उसी रात को एक पूरी बोतल पीने के बाद उनका दिल कैबरे देखने के लिए करने लगा। और मैंने उन्हें दिखाया भी कैबरे, कोलाबा के एक शानदार होटल में। 41 गर्ल्स के साथ तुम्हारा बाप था और उन लोगों के साथ मेरा यह दोस्त हमीद भी था, और जानती हो उसी दिन उन्होंने मेरा नाम अली बाबा रखा था। ओल्ड मैन उन हसीनाओं के साथ उस दिन बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था। Will you please stop this? तो मैडम, कोया मैरी मैरियम डॉल्फिश, कॉल मी अली बाबा, ओके, सी यू। ए बीडू चल। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जी पॉली। अरे आप इधर। हे यू। हाँ मैडम, आप यहाँ कैसे? ओ गृह सचिव से लगता है शिकायत करने आए हैं, प्लीज माफ कीजिए। शट अप, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? ये तो हमारा घर है। देखो ये रमन जी का घर है, बाहर उनके नाम का बोर्ड भी लगा है, तुमने देखा नहीं है क्या? अंधे हो क्या? देखा, हाय रमन जी का ही घर है। व्हाट डू यू मीन? सुनिए मैडम, रमन भाई का घर किसी के पास गिरवी रखा हुआ था, ये बात जाकिर भाई को मालूम पड़ी, फिर जाकिर भाई ने उसकी डिटेल निकाली और जाकिर भाई ने इस घर के मैटर का सेटलमेंट करवाया, और फिर उसके बाद जाकिर भाई ने इस घर की रजिस्ट्री दोबारा रमन जी के नाम से करवा दी, सामने से बुलाकर उनके हाथ में रख दिया जाकिर भाई ने। तो ये जाकिर हुसैन? ये जाकिर हुसैन नहीं है, जाकिर अली हुसैन। जाकिर भाई का भी घर यही है। जाकिर भाई का घर रमन भाई का घर, रमन भाई का घर जाकिर भाई का घर। अब समझी? ज्यादा सोचो मत। यू मीन? अभी मुझे काम है, मैं जाता हूँ। कौन है? क्या है? मिस्टर रमन जी। हाँ हेलो, आई एम माया मेरी क्वीन। नमस्ते। इस जगह पर जो भी आता है तो सबसे पहले आप ही का दर्शन करता है, एज अ बर्थडे गिफ्ट। किसने? ये मेरे पिताजी की तरफ से। वो ये तो लीजिए ना,
मेरे पिताजी ने पर्सनली अपने हाथों से खास तौर पर आपके लिए ही बनाया है सर। वेरी टेस्टी, वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी प्रेशियस। किलो 3000 रुपीज, एक्सपोर्ट क्वालिटी है सर, वैसे पापा ने कहा। ओह, तो आप विल्सन डिसूजा की बेटी हैं? आर यू माई फादर्स फ्रेंड? अच्छे से, कक्षा 3 से हम साथ साथ पढ़ा करते थे, साथ साथ खेला करते थे वहाँ गाँव में। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं यहाँ आ गया और वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया वहाँ पे। थैंक यू बेटी, तुम बैठो यहाँ, तुम्हारे लिए ठंडा मंगवाता हूँ। नहीं नहीं। अरे आनंद। यस, पीने के लिए एक लार्ज चाहिए। ओके मैम। इट्स ओके मिस्टर वर्मा, बट आई एम सॉरी दैट यू लिव इन बैड कंपनी। वेट 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 वेट, ये क्या है? बर्थडे गिफ्ट, मेरा दोस्त है विल्सन डिसूजा, उसने भेजा है, मुझे आज तक नहीं भूला। अरे वाह, क्या बात है। कुरियन इज अ ग्रेट प्लांटर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट केरला काउंसलर, है ना रमन भाई? सुनिए, वो मेरे दोस्त को। लुक मिस्टर रमन जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव। अरे एक मिनट। अरे रमन भाई, एयरपोर्ट एक कार भेज दो अर्जुन के लिए, वो आपसे माफी मांगना चाहता है और आपका जन्मदिन मनाने के लिए आ रहा है। अर्जुन, उसकी गर्लफ्रेंड डॉल्फिन और साथ में गौतम, और शायद कोई मिस भी हो रहा है। सॉरी, मैं इन्हें बोलूं क्या? सो मैडम, यू आर इनवाइटेड टू डाइन विद द ग्रेट इलैयाराजा ऑफ इलंदूर, इट्स अ पार्टी टुनाइट। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे जाने दीजिए। एक मिनट रुको, जाते जाते ये गुरु दक्षिणा भी साथ में लेते जाओ, क्योंकि ये गुरु दक्षिणा उन्होंने इज्जत और सम्मान के साथ नहीं भेजा है, इसीलिए हम लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते, है कि नहीं रमन जी? अरे बेटा, कोई प्यार से बुलाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। तुम आओगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आओगी ना तुम? आई विल ट्राई रमन जी, बाय बाय। बहुत ही सेल्फिश लड़की है, है ना? मेरा मतलब है डॉलफिश। हैप्पी बर्थडे टू यू। Many happy returns of the day. Thank you. लाजवाब है तू इस धरती पर सबसे सुंदर, तेरा ये रूप। चंदन की धूप है, खिला ये रूप है, चांदनी कह रही है क्या सुन, प्रेम की। है खिला ये रूप है, चांदनी कह रही है क्या सुन, प्रेम की धुन। हर तरफ है छाई खुशी है, आई है कोई चंद्रमुखी, मन ये मेरा कह रहा तू प्यार में डूब जा। बजते हैं कानों में प्रेम के हर पल ये गीत, आया है महफिल में मेरा वो मन का मीत, दिल ये तो मेरा देखो वाले गई पहली नजर में ही लूट। चंदन की धूप है, खिला ये रूप है, चांदनी कह रही है क्या सुन, प्रेम की धुन, प्रेम की धुन, प्रेम की धुन, प्रेम की धुन। सभी यहाँ है मस्तियों में ये फिजा है, मेरे मन में तो है समाई, गा रहा ये जहाँ झूम रहा आसमां, हर तरफ तू नजर आई। मन मन भी होके नाचे मगन मगन तुझसे है महफिल में रंग, तन मन भी होके नाचे मगन मगन तुझसे है महफिल में रंग। झूमे है मन ये मेरा झूम रहा है जहाँ, गाने दो प्रेम गीत मुझ पे छाया है नशा। झूमे है मन ये मेरा झूम रहा है जहाँ, गाने दो प्रेम गीत मुझ पे छाया है नशा। गा रहे हैं मन के तार, देखो ये प्यार के गीत नए, चंदन की हाय चंदन की हाय चंदन की धूप से खिला ये रूप है, चांदनी कह रही है क्या सुन, प्रेम की धुन।
है मुझे ऐसे चांद का वो अक्स जैसे नदियां में दे तू दिखाई। लगता है मुझे ऐसे सावन का रूप जैसे बादलों से उतर है आई। उसके आने से लगी मुझको लगन लगन उसके ही दम से हर खुशी। उसके आने से लगी मुझको लगन लगन उसके ही दम से हर खुशी। आँखों से निकले है उसके ये चांदनी होठों से बोले तो बजती है रागिनी। आँखों से निकली है उसके ये चांदनी होठों से बोले तो बजती है रागिनी। करिश्मा से ज्यादा क्या कहूँ चंदन की धूप से खिला ये रूप है चांदनी कह रही है क्या सुन प्रेम की धुन। चंदन की धूप है खिला ये रूप है चांदनी कह रही है क्या सुन प्रेम की धुन प्रेम की धुन प्रेम की। किससे मिलना है? तुम्हारा नाम क्या है? ए सुंदर, कौन है? हाँ, रामन वर्म तिरमल पाड़। जाकिर हुसैन की जिंदगी में रामन इफेक्ट तुम्ही हो। रमन जी, बलराम कोणार्क डिस्टिलरीज शिमोगा, ऐसा बोलोगे तो उस जाकिर भाई को समझ में नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली अ बिजनेस विजिट बट विदाउट एन अपॉइंटमेंट। जाओ बोल के आ जाओ। हाँ अंदर आ जाओ। यस, मैं देख रहा था कि मैं यहां बैठने के लायक हूं। यहां बैठने के बाद मुझे राजा जैसी हिम्मत मिलती है, बस यही अजमा रहा था मैं। सॉरी, पहचाना मुझे? बलरामन कोणार्क। कोई बात नहीं जकीर भाई, यहां पर खड़े होकर बात करना इज मोर फेस टू फेस एंड कंफर्टेबल। द डॉन फ्रॉम कोचीन स्ट्राइक्स टेरर। रमन नायक का जिस्म बुलेट से पूरा भरा हुआ था, जख्म से खून बह रहा था, उसका शरीर मेट्रो रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था मुंबई अंडरवर्ल्ड पिछले एक महीने से। इस बात के ऊपर खुशियां मना रहा है, कोई भी अपना सबूत छोड़े बिना मैं उन सब चीजों से मुक्त होना चाहता हूं। कोई भी जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर सका इसके साथ, पुलिस भी और उसका डिपार्टमेंट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जकीर भाई, यह बात आप समझ रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। जकीर भाई, साफ साफ बताओ क्या चाहिए मिस्टर बलराम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई एम ऑन ए गुडविल। जकीर भाई, जिस रमन नायक को तुमने मारा है उसका जीवित भाई अरुण नायक हूं मैं, डीडी देव देवन नंबियार, और महाराष्ट्र सीएम मोहन मधेकर मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। वैसे ही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं, पर तुम्हें मुझसे समझौता करना पड़ेगा। पूरे मुंबई के अंदर राम नायक के सारे इलाके उसके भाई अरुण नायक के पास आ जाएंगे, समझ गए जकीर भाई? तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, बट आई वॉन्ट अ डील। इस बात से तुम सहमत हो? गेट लॉस्ट। नो, इस बात में सहमत होने से मेरा ही फायदा नहीं बल्कि आपका भी है, इसलिए मैं बार बार समझौते की बात कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो ये अरुण नायक आपसे वादा करता है शिकायत का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से अब इस बात पे एतराज नहीं होना चाहिए। अब आप मेरी बात मान लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब तो बापू ही विल रिटायर फॉर गुड। बेटरमेंट का मतलब ये होता है हाजी मुस्तफा के कब्जे में अभी भी जो इलाके हैं, बैंड्रा खेरवाड़ी डॉकयार्ड
और भिवंडी, ये सब जगह अब अरुण और जेबी मिनिस्टर के कब्जे में होगा। एक्टिविटीज लाइक यू नो ड्रग्स, हथियारों का और चमड़े के धंधे में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। अरुण और डीडी को बॉम्बे काउंसिल चुनाव जिताने में मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। अल्पवर्गीय, कम्युनल वायलेंस, स्ट्रीट राइट्स, हिंदू मुसलमान को धर्म के नाम पर आपस में लड़वा देना, अभी जो हॉस्पिटल में रेस्ट ले रहे हैं वो साधुजन सेवा ट्रस्ट के मेन मालिक को राजी होना जरूरी है, यानी कि हाजी मुस्तफा, सहमति भी जरूरी है, साथ साथ आपकी भी। भाई जाकिर भाई प्लीज, और कुछ भी लफड़े नहीं मांगता जाकिर भाई। सुनो, आप निश्चिंत होकर मेरे हाथ से हाथ मिलाइए, आप कोचिन जाइए एकदम बेफिक्र होकर, यू विल गेट योर प्राइस। आप राजाओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारिए, मैंने ये वादा दिया। I said get lost, जाओ, चले जाओ। ए जकीर भाई, साले बदमाश पागल हो गया है क्या? भाई पीछे हटो। It's all right जकीर भाई, I am all right। मगर एक बात याद रखना जकीर भाई, बलराम की वो बापू सेफ नहीं है। पहला हमला तो खाली चला गया है, दूसरा हमला भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे हमले में हाजी मुस्तफा अपने आप को बचा सके, मिस्टर जकीर भाई। अरे साले बंद कर अपनी जुबान, नहीं तो मैं तेरी। अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो उसे। जकीर भाई, पहले तो तुमने राम नायक को मार दिया, अब मुझे यानी अरुण नायक ने देव देवन को यानी और किसी को भी, कभी किसी को मार सकते हो तुम। इतनी ताकत है तुम्हारे पास क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, यानी कि राजा, इसलिए जाकिर अली हुसैन हो। आप कुछ भी कर सकते हो जाकिर भाई, फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा जरूर। बट स्टिल यू आर वेरी वीक जाकिर भाई। हाजी मुस्तफा को अगर जीना है तो अरुण, डीडी, बलराम और रेड्डी ब्रदर्स को अच्छे से रखना हो। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं ना? आखिर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए जाकिर भाई। मुझ जैसे हस्ती वाले इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते हो तुम। कर सकते हो? इस बात का सबूत दे सकते हो? hey! तुम्हारे सामने जो ताकत खड़ी उसे तुम मिटा सकते हो जाकिर? नहीं मिटा सकते, बट आई कैन। मैं उस ताकत को मिटा भी सकता हूँ और अपना भी सकता हूँ। दिन दहाड़े कुछ भी करने की हिम्मत रखता है ये बलराम। जकीर भाई, 19 साल की उम्र में पार्टी ऑफिस में मामूली सा ऑफिस बॉय बनकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की, तब एक फूटी कौड़ी की भी हैसियत नहीं थी इस बलराम की। 23 साल की उम्र में हाई कमान के खास एरिया का स्टेट असेंबली का चुनाव जीत कर दिखाया मैंने। आई वॉज स्ट्रॉन्ग जकीर भाई, यहाँ उम्र नहीं पैसे और पावर की ताकत है। यस जकीर भाई, उत्तरांचल के पार्लियामेंट के मेंबर के गेस्ट हाउस में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ पूरी रात मैंने ऐश किया और पकड़ा गया, फिर भी बलराम रत्ती भर भी नहीं डरा और ना ही उसका कोई बाल बाका कर सका। एक बात और बता दूं, जब ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा, तब उत्तरांचल वालों ने मुझे कहा कि तुम फौलाद हो, यू हैव ए स्ट्रांग हार्ट यंग मैन, यू विल लीड दिस नेशन वन डे। सो आई हैव सक्सेस जकीर भाई, मैं चाहूं तो तुम्हें एक गोली से खत्म कर सकता हूं, तुम चाहो तो मुझसे हाथ मिला सकते हो। ये लो ये हाथ, मैं तुम्हारे आगे बढ़ा रहा हूँ, कम ऑन। तेरे गंदे हाथ पर क्या रखूं हरामजादे? जाकिर भाई, और रख दूंगा साले, अगर जाकिर भाई गंदी जबान से बापू का नाम भी लिया तो साले मैं तुझे अभी मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं। साले तू ये सोचता है कि जाकिर हुसैन से हाथ मिलाने के बाद तुझे जीवन मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कमीने। हरामी के पिल्ले जा। हाँ मैं, किसी से हाथ मिलाने के लिए पहले दिल का मिलना जरूरी होता है, तेरे जैसे कमीने से हाथ मिलाकर अपना हाथ कौन गंदा करेगा रे? अरे तेरे बारे में किसे नहीं पता कि तू कमाठीपुरा में क्या करता था? अरे साले भड़वागिरी करते करते साले मन के साथ साथ तेरा हाथ भी काला हो गया है। उड़िया मिनिस्टर कोमलनाथ को मैंने मारा था, और जब मैं 16 साल का था तो मराठावाड़ा के बड़े नेता वाईबी दांडे को बड़ी बेरहमी से चीर के रख दिया था इस जाकिर हुसैन ने, तो तेरी क्या औकात है? खतरनाक क्रिमिनल था मैं, दहशत का दूसरा नाम था मैं, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं मारता था जाकिर हुसैन।
बलराम, देवदमन और सारे के सारे माफिया, सारे भ्रष्ट नेता कांप उठते थे। ऐसा था जलवा जाकिर हुसैन का। हलक में हाथ डालकर जबान खींचकर बाहर निकाल देता था अगर मेरे बारे में या बापू के बारे में कोई बुरा सोचता था। हमें ले जाए इस हरामजादे को। ये सब क्या है जाकिर भाई? इधर आके hey, तुमने सुनी ये आवाज? मैं धरती के किसी भी कोने में चला जाऊं, ये आवाज हमेशा मेरा पीछा करके मेरे दिल को तड़पाती है। चाहे कोचीन हो, चाहे मैंगलोर हो, या फिर मुंबई पोर्ट का फुटपाथ हो, ये आवाज हर घड़ी हर पल मेरे कानों में गूंजती रहती है ना हमीद भाई? ये आवाजें मेरी माँ की याद दिलाती है। जानते हो हमीद भाई, उस दिन शेरिन मोहम्मद मोहम्मद हाजी के बंगले में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पूरा का पूरा बंगला उस दिन सजाया गया था। ये जिंदगी उसी की है, मेरी माँ गाना गा रही थी और मैं हारमोनियम बजा रहा था। उस वक्त 6 साल का था ये जाकिर हुसैन। आधी रात हो गई थी और वो जश्न जोरों से चल रहा था। उसके बाद वहां पर वो पुर्तगीज कैप्टन आया और उसके बाद उस पुर्तगीज ने अपनी गंदी नजरों से मेरी माँ को देखा। माँ ने गाना बंद कर दिया और मोहम्मद हाजी की ओर देखा, उस हाजी की ओर जिसकी सब इज्जत करते थे। और उस मोहम्मद हाजी ने माँ को हासिल करने के लिए हर तरह का लालच दिया। वो कसाई की तरह हंसता रहा। जकीर भाई, हाँ, वो कसाई की तरह हंसता रहा। बलराम की बहन हो या मेरी माँ हो या चाहे कोई भी औरत हो, आखिर केवल आंसू बहा के अपनी इज्जत नहीं बचा सकती है। सही कह रहा हूं ना हमीद भाई? मोहम्मद हाजी के आदमी जबरदस्ती मेरी माँ को काली मर्सिडीज में टाल दिए है। एक 6 साल का बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने, मगर उसकी आवाज कौन सुनता? उसने मेरे सामने मेरी माँ के गाल पे जोर से थप्पड़ मारा और ये 6 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सका। मेरी माँ की हालत बिना जल के मछली की तरह थी और ये सब कुछ मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। जाकिर भाई। हाँ रमन भाई। और जब मैं सब कुछ तोड़ के भाग कर उस समुद्र के पास पहुंचा तो एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा इस जाकिर हुसैन ने। मेरे सामने मुझसे दूर जाता हुआ एक पुर्तगीज शिप था और मैंने देखा कि उस शिप के ऊपर एक शरीर जल रहा था। उस भयानक काली रात में समुद्र के थपेड़ों और शिप के शोर के कारण मेरी मां की अंतिम चीख दब कर रह गई और इसके बाद तड़पते हुए मेरी मां चिल्लाई जाकिर और समुद्र में कूद गई। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिश टैंक से कोई बहुत बड़ी सुनहरी मछली निकली और उस मछली ने आग का रूप लेकर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के सीने में समाती चली गई। कौन? कॉल फ्रॉम बॉम्बे। कौन है बॉम्बे से? जी मिस्टर मोहन मदेकर सॉफी। ओके, कौन लाइन पे? मिनिस्टर है? नहीं, मिनिस्टर का पीए लाइन पे है। बट सर इट्स वेरी अर्जेंट। बलराम सिर्फ मंत्री से बात करता है, उसके पीए से नहीं, समझ गई? जी। हाँ सुजन। हाँ सर। सुबह की फ्लाइट से डीडी आ रहा है, उसे पिकअप करना है। जी। Hey, wait a minute. ये ड्रिंक किसने बनाया है? सुजन जी। गुड।
आज एक पैक से काम नहीं चलेगा इस बलराम का। जाओ और एक बढ़िया सा पैक बनाकर लेकर आओ। गो जी। हाय दीदी, वेलकम। हाय सूजन, बालन कहाँ है? स्टिल अपसेट? हाय डीडी। हाय, अरे बाला। अरे क्या अपसेट हो अभी भी? हे डीडी, आई एम फाइन, ऑल राइट। अच्छा, अनाथ आश्रम में पले बड़े जाकिर हुसैन की जिंदगी में बहुत दुख रहे हैं, इसलिए उसने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया और एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के टॉर्चर ने उसे खतरनाक डॉन बना दिया, लेकिन उसने अपनी इंसानियत को जिंदा रखा। बेसहारा लोगों के लिए उसने बहुत काम किए, उनमें से एक ट्रस्ट है, इसका नाम मुस्तफा हाजी सर्विस ट्रस्ट है। वो लड़की गौरी। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी। यहाँ पे ये पढ़ाई भी करती है और बच्चों को पढ़ाती भी है। मैंने आज तक बहुत लड़कियां देखी लेकिन गौरी जैसी समझदार नहीं देखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कलेक्टर बनना चाहती है। अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए तुम इनकी मदद ले सकती हो, ये बहुत अच्छी टीचर है। जी अच्छा। एनी टाइम। ए शकीर भाई। हाय। ये। ये। भाई आ गए। पकड़ो। शोर मत मचाओ। साइलेंस। अरे खेलने दो, बच्चे हैं, ये नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? हाँ, अरे मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे? हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय माया। ओ गॉड, यू लुक ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम भी कमाल हो, कसम से। इतनी सारी जगह छोड़कर मैंने यहाँ पर ही कोचिन में ही अपनी पोस्टिंग क्यों करवाया तुम जानती हो? तुम्हारे लिए। व्हाट यू मीन सर? प्लीज माया, नाराज मत हो। जानती हो, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए अपने बीवी और बच्चों को गाँव में ही छोड़कर आया हूँ। उन्हें 4 महीने लगेंगे और तब तक मैं बेचारा अकेला ही रह रहा हूँ, तो तब तक हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पुलिस का काम तुम्हारा नहीं है। सो व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, मर्द कर सकता औरत नहीं? देखो, हम दोनों ने एक साथ ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। लुक मिस्टर जोसेफ मेंडोसा, सुनो, याद रखना, मैं भी आईपीएस बनके यहाँ पर आई हूँ, सेक्शन 345 आईपीएस एंड 509 आईपीएस, फॉर पनिशिंग द अटेम्प्टिंग आउटरेजेस फॉर द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सुन रे, तेरे जैसे ऑपोजिट सेक्स के प्रति गलत भावना रखने वाला और वासना के कीड़ों के लिए क्या सजा होनी चाहिए वो मैं जानती हूँ। ओनली 365 सेक्शन से काम नहीं चलेगा। शुक्र कर कि मेरे जूतों में डोरी बंधी है, नहीं तो उतार कर तेरे मुंह पे मार, तेरी चटनी नहीं बना देती तो मेरा नाम माया मेरी कोई नहीं। चल फुट, ब्लडी क्रीप। ए सोमन, एक काम कर, आंटी का नया नंबर निकाल और उन्हें अभी फोन कर, बहुत जरूरी है। और उनको ये बता कि मैंने वापस यहाँ आकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, मेरा पेट भी अंदर हो गया और मैं दुबला भी हो गया हूँ। और सुन, ये आंटी वाली बात मेरी बीवी को मत बताना, बहुत गुस्से वाली है। जा। यस, डीआईजी जोसेफ मेंडोसा। हेलो बॉस, कहाँ से बोल रहे हो? फ्रॉम बॉम्बे। अबे डीआईजी रास्कल, तेरे दोनों मोबाइल का बिल मेरी कंपनी कोनार्क हर महीने चुकाती है, फिर भी मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, समझ गया ना तू? हाँ ठीक है बॉस। फिर भी मैं फोन करता हूँ तो आनाकानी क्यों करता है तू? वो बॉस क्या है कि मैं और डीडी मिलकर कुछ खास पेपर निकाल रहे हैं, जो पुलिस की खास रिपोर्ट है, वो पहुँच जाएगा फैक्स द्वारा तेरे ऑफिस में। वो मिलने के बाद तुझे क्या करना है जानता है ना? मैंने और होम मिनिस्टर ने मिलकर कोचीन में तेरा ट्रांसफर क्यों कराया है ये बात जानता है ना तू? पता है सर। देन गो अहेड।
देखते हैं कौन बचाता है हाजी मुस्तफा ट्रस्ट को। Soman, everything is set. Good. Haji Mustafa Sadhu Jana Seva Trust. Soman, ये सेवा ट्रस्ट किसी बहुत बड़े स्मगलर के नाम पर है, सारी की सारी धंधे वालियों को एक जगह जमा करने के लिए। हाँ सुनो, हे यादव, अंदर जितनी भी धंधे वालियां उन सबको बाहर लेकर आओ, नहीं आए तो मार मार के लाओ। चलो जाओ। नहीं सर, जकीर भाई को बताए बगैर करेंगे तो। अबे बुजदिल, क्या जाकिर तुम्हारी माँ के लिए पैसा देता है? अबे चल हट यहाँ से। समन कमान मेरे साथ आओ। क्या है सर, क्या काम है? अबे तू कौन है, जाकिर हुसैन है या फिर हाजी मुस्तफा है तू? सर जाकिर भाई का ड्राइवर है सर। तुम चुप रहो, चल रास्ते से हट। सर प्लीज, मैं बोलता हूँ हट रास्ते से, हट हट साला, मेरे से दादागिरी दिखाता है। रास्ते से नहीं हटेगा, रास्ते में खड़ा होगा। क्या समझता है, जानता है तुमसे बात कर रहा था? मारो मत उसे। हट। क्या सर, क्यों मारा जा रहा उसे? तू कौन है? चल बता, मैं पूछता हूँ कौन है रमन वर्मा? मैं हूँ। अच्छा, तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू इन सब धंधे वालियों का दलाल है, क्यों? सर इस तरह की बातें मत कीजिए, ये महिला आश्रम है सर। अबे चुप, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे इस महिला आश्रम के बारे में। जी सर। नो, जाकर ऊपर से सारी लड़कियों को लेकर आओ। जाओ, ए तुम लोग भी जाओ, जाओ। ए बुड्ढे, बता तेरा ऑफिस किधर है? उधर। चल बता मुझे। ए जोसेफ, उनका हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम चुप रहो। छोड़ो। देखो, तुमने मुझे स्कूल में पढ़ा इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा केस है, बॉम्बे रेड लाइट एरिया से लड़कियाँ लाकर यहाँ पर धंधा कराया जाता है, हमें पता है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है, समझ गए? तू तेरी जात की, धंधा चल रहा है इधर, कौन कर रहा है रे? अबे तेरे बाप ने लड़कियाँ पैदा करके यहाँ डाली है क्या? तेरी इन्फॉर्मेशन है? अबे पादरी, जब से तेरी इज्जत कर रहा हूँ तू स्कूल में पढ़ाता है इसलिए तो मुझे बोले जा रहा है तू? क्या समझता है? छोड़, लेके जाओ इन दोनों को। पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने का अंजाम क्या होता है ये इन्हें बताओ, लेकर जाओ तू। समझ में नहीं आता, जब से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आता। पुलिस वाले के साथ लेके जाओ, लेके जाओ इसको, और बताओ कि पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है, लेके जाओ। एक शरीफ आदमी हाथ उठा कर आप अच्छा नहीं कर रहे सर। चुप। शिट। रामचंद्र, हे हे सुमन, व्हाट द ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन? आई से कम ऑन, लीव हिम। मैडम प्लीज माइंड योर, आई से लीव हिज हैंड। रुक जाइए आप, मेरी बात सुनिए, आप नहीं जा सकती अंदर। हाउ डेयर यू। यार पकड़ो इसको। Come on, Maya, cool it. Sir, please, you इन पे गलत इल्जाम लगा रहे। ए रामचंद्र, leave him. मैंने तुमसे इन्हें छोड़ने को कहा ना? माया, मैंने कहा शांत रहो। देख क्या रहे हो, लेके जाओ इसको। Hey, no, don't. माया, तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। I must get an answer. मुझे बताओ भी, किस ऑफेंस में इन्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हो तुम? ओहो, तो तुम्हें वजह जाननी है। आओ, ये देखो, ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर क्यों लाई गई हैं? ये सब लड़कियाँ बॉम्बे के ग्रैंड रोड से धंधा करने के लिए यहाँ पर लाई गई हैं। जाकर देखो, हमारे ऑफिस में सारा रिकॉर्ड है इनका, बॉम्बे पुलिस इंक्वायरी रिक्वेस्ट। बट बुड्ढे धारा, आज किसी भी तरह इस बुड्ढे को और इसके साथ साथ उस फादर को भी और इनके साथ साथ जाकिर हुसैन को भी और उसके वफादार चमचे हमीद को भी, अगर आज मैंने मार मार के पुलिस स्टेशन नहीं लेकर गया तो मेरा नाम भी जोसेफ मेंडोसा नहीं। सर प्लीज, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस सर। अपनी जुबान को लगाम दो और अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। टेक योर हैंड्स ऑफ मी। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, नहीं तो छोड़ो दे। हट बुड्ढे, हट। सर डोंट, सर प्लीज डोंट। मुझे रोकेगा तू? छोड़ दो। मुझे रोकेगा, मुझे रोकेगा। Thank you.
मुझे साले कुत्ते चल पारा नो नहीं ऐसा नहीं जो सब साले तू कमीना है बहुत बड़ा कमीना है तू तू साले ऐसी गंदी जुबान यूज कर रहा था जैसे कि ये लोग प्रोस्टिट्यूट है वैश्या है धंधा करने वाली औरतें हैं है ना हाँ ये सच है ये लड़कियां किसी वक्त मजबूरी में अपना शरीर बेचती थी लेकिन वहां से इन्हें छुड़ाने के बाद अब ये कोई गलत काम नहीं करती ये सब यहाँ पर मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रही है लेकिन तुम नहीं हाँ तेरी यूनिफॉर्म के सितारों का कोई मतलब नहीं क्योंकि इनको तू बाजारों में बेचता है तेरे लिए इंसानियत की कोई अहमियत नहीं क्योंकि तू इंसान ही नहीं है तू अपना जमीर और अपनी आत्मा सब कुछ बेच रहा है तू देव दमन और बलराम जैसे कुत्तों के लिए कुछ भी कर सकता है कमीने तू मुंबई पुलिस और उस कमीने देव दमन के इशारे पर इधर आया साले जोसेफ मैं तेरी तो तुझे पता नहीं कि तूने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ पर आके तू अभी अच्छी तरह से जानता नहीं कि मैं कौन हूँ हिला के रख दूंगा मैं तेरे और तेरे पुलिस डिपार्टमेंट को तबाह करके रख दूंगा तेरी इस वर्दी के गुरूर को साले तूने गलत जगह पे हाथ डाला है तेरी बीवी माँ बनने वाली है ना तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी फैमिली के ग्रुप फोटो में तेरा चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि उससे पहले मैं तेरे शरीर से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा चल भाग यहाँ से तेरे बाप लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे होम सेक्रेटरी के ऑफिस में जा और जाकर उन्हें मेरा मैसेज दे दे देख लूंगा मैं तुझे कमीने एक बात सुन और उससे अपनी दिमाग में रख ले तुझे तेरे ऑफिस से निकालने में मुझे एक घंटा भी नहीं लगेगा और तेरा भेजा बाहर निकालने में एक मिनट भी नहीं लगेगा लेकिन इस वक्त मैं तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना ले जाओ इसे और ले जाकर इसे इसकी बीवी के पास छोड़ दे क्योंकि इसको उसकी मसाज की जरूरत है रमन जी आज का अखबार देखा देखो देखो हे राम हे मेरे भगवान ये क्या हो गया तुम लोगों ने देखा ना ये क्या खास खबर आई है ये पत्रकार लोग भी सुधरने वाले नहीं है उन्होंने लिखा है कि एसीपी माया का और अंडरवर्ल्ड माफिया लीडर जाकिर के बीच में अवैध संबंध है और ये अपना सारा काला धंधा हाजी मुस्तफा ट्रस्ट की आड़ में चला रहा है ये खबर एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताई है जो कि अपना नाम बताने को तैयार नहीं है और आज पुलिस और क्रिमिनल के संबंधों की चर्चा भी होने वाली है हाजी मुस्तफा ट्रस्ट को अगर कानून ने बंद करवा दिया तो क्या होगा बहुत सारी समस्या होंगी क्या बात करते हैं रमन भाई जानते हो हमीद एक पत्रकार ने मुझे कहा था कि हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें छापेगा उसके लिए एक फुल पेज एड दो और एडिटर को पूरे परिवार के साथ सिंगापुर का ट्रिप दो नाम नहीं याद आ रहा लेकिन वो यहाँ का एक बहुत ही मशहूर पत्रकार है उसका नाम क्या है रमन भाई अरे वही जो उस दिन मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था हाँ रवि प्रकाश और उसके साथ वो चीफ रिपोर्टर भी आया था वो सैबियो खान वो सब के सब बलराम के पिंप है अखबार की दुनिया में हेलो हाय रमन जी माया ही हाँ मुझे पता है कि फोन किसका होगा डेलफिश वाली माया का फोन है ना लाइन पे वही ना रमन भाई हाँ हेलो बोलो बेटी हैं हाँ रमन जी हॉट न्यूज़ फ्रॉम त्रिवेंद्रम हैं मीडिया वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं तो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है इसलिए एसीपी माया मेरी क्वीन को डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है ये क्या कह रही हो तुम Pressure on the Home Minister from Kotai Patram. Anyway, it stinks. Hai na, Raman ji? Raman ji, I'm getting a call from DGP. I'll catch you later. Okay, bye. Problem. तो माया मेरी कुरियन सस्पेंड हो गई. कितने दुख की बात है. हाँ तो बीड़ू, उसका मैंने नाम क्या बताया था?
उस रिपोर्टर का? उन्नी उन्नी पत्रकार, सन ऑफ लेट चंद्रशेखर पत्रकार। बहुत बड़ा काम किया है तूने बेटे। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के पीछे लड़कियों का इल्जाम, जीते जी मार डाला उन्हें। मुंबई के अंदर 10-20 सालों में मैं और नायक दोनों मिलके जो काम नहीं कर सके वो तूने पलक झपकते ही कर डाला, है ना बाला? आई विल कॉल बैक यू, यू टॉक टू सुजन। सही बात बताया डीडी, एक औरत कालिक पोत सकती है, एक दिल जहर पिला सकता है। ये औरत जात न जाने क्या कर सके किसी को नहीं मालूम। ये खबर मैंने अमेरिकन पेपर में पढ़ा था, औरत कब किसका खून करा दे ये किसी को भी नहीं मालूम। उसी का हिंदुस्तानी रूप है, इसकी जन्मभूमि है केरला। पूरे वर्ल्ड में येलो पेज पेपर जो पढ़ते हैं ये इसी का है ना। बीते हुए पिछले 5 वर्षों से अपने पेपरों की आड़ में ये और 5 पेपरों की पायरेसी करके न जाने कितने करोड़ों का माल अंदर कर लिया इस व्यक्ति ने। रियल एस्टेट, लीकर शॉप, ट्रैवल एजेंसी, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये पुलिस वर्दी में रहकर सारी दुनिया में बदनाम। इस स्टेट लेवल के नंबर 1 क्रिमिनल के साथ जोसेफ मेडोसा कोयम्बटूर कंपनी के 50% के पार्टनर है। और जो रमेश जेल में बंद हैं, उनके साथ छोटे मोटे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। ये लो एक बैग और बनाओ। हाँ बोलो। कल के बाद आने वाले अखबार में जकीर भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो सब छपेगा। हमारे चक्रव्यूह की मेन जगह जो है वो बॉम्बे से कोचीन के बीच का हाईवे है। अच्छा। हाँ डीडी, हाँ डीडी का दुश्मन तो जाकिर हुसैन है ना। मैंने तो सिर्फ एक गेम खेला है, वो तो खेलना ही था। उसके बारे में लिख के और उसे जला के आपके माथे पर तिलक लगाऊंगा। तिलक तो हाँ, यही तो है प्रॉब्लम स्मार्ट बॉय। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में जाकर जाकिर हुसैन के आदमियों को बुरी तरह मारने वाला ये जोसेफ मेंडोसा पुलिस वाला ही है। और क्रेडिट मिला इन पत्रकारों को। अरे ये क्या बकवास है डीडी। चुप डीडी, जब जब तू भौंका तेरे सामने कुत्ते के तरह हड्डी फेंके। 17 लाख हम दोनों ने वो तेरी कीमत थी मेहनत की, समझा तू? समझा? चुप। अरे डीडी सुनो तो। चुप कमीने, हमेशा के लिए सुना दूंगा। जाने जा, जाने दो। सुजन इधर आओ, उसको बाहर ले जाओ। सुनो चलो ना। हाँ सुजन, एक और पैक प्लीज। नहीं चलो। बाय बाला, बाय डीडी। अरे यहाँ नहीं, साला एक्टिंग कर रहा है नशे का सहारा लेकर, सुजन के गले में हाथ डालने का चांस ले रहा है। गुड बॉय, अच्छी खरीदी है। छोड़ यार, तेरे बारे में कुछ नहीं कहा मैंने, मेरे और पत्रकार के बीच हुआ रहा। मार यार। लड़कियों को सप्लाई करने का धंधा। धारावी में खुफिया जगत पर पुलिस की धाड़, मुंबई से फरार जकीर हुसैन ये काम चला रहा था। जकीर हुसैन? हाँ। तेरा नाम क्या है रे? कैप्टन जॉन। तो जॉन, मैं चीफ एडिटर मामचंद से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। अरे जकीर भाई। किस लिए? देख, इसका सामना कर सकते हो। यही तो है इस केरला की सरजमी की सिक्योरिटी। किसी के भी बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। किसी में हिम्मत नहीं जो मुझसे सवाल करे। Who the bloody fuck? के बारे में तूने लिखा था उन्हीं हरामियों में से एक। अच्छी तरह बता दे कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, समझा इसे। हट, चला हट। याद आने तेरे को, कल अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तूने एक आर्टिकल लिखा था, वही हैंडसम फेस है ये, हमीद कांडी पावला मेहर। ये तूने ही लिखा था ना कि मालाबार से अच्छी अच्छी लड़कियों को ले जाके बॉम्बे में इनका धंधा करवाता है हाजी मुस्तफा ट्रस्ट की आड़ में, और यहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, वही जाकिर हुसैन हूं मैं।
ए भीड़ू, अब तेरे को इसके चेहरे का कचूमर बनाने का है। तुझे इसके हवाले कर दूं क्या? बोल, कर दूं क्या? ए मिस्टर, मेरा गिरबान छोड़ो। तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? मुंबई में टैक्सी चलाने वाला इस हामिद के पास तेरी कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं। उसमें तो बलराम के कोणार्क हाउस पर नशे में फुलटू धुत होकर उसकी सेक्रेटरी के कंधे पर हाथ रखे हुए और दूसरे हाथ से उसके सीने पर उंगलियां फिरा रहा, कुछ याद है तेरे को? कितने फोटोग्राफ है तेरे पास? चार, पांच? हाँ, पांच फोटोज हैं। हम वो सारी तस्वीरें कल तेरे ही पेपर में छपवाएंगे। तू यहाँ के मुझे ब्लैकमेल करेगा क्या? जानता है, वो सारी तस्वीरें तेरी बीबी को गिफ्ट पैक करके कुरियर करने का इरादा था हामिद का। ब्लैकमेलिंग का बिजनेस नहीं करता जाकिर हुसैन, ये तो तेरे जैसे चीप पत्रकार करते हैं कमीने। कॉल द पुलिस। ए रुको, नहीं बहन, रख दो, रख दो, रखो। ए सिक्योरिटी, इसको निकाल के बाहर फेंको। मैं जानता हूँ कि मेरा हाथ खून में डूबा हुआ है, जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस हाथ से बहुत खून हुए हैं, लेकिन तेरे जैसे कमीने के खून से मैं अपने हाथों को रंगना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कायरो का खून नहीं करता जाकिर हुसैन। ब्लडी इडियट, उसको हाथ मत लगाओ। स्टूपिड, रहे जैकब, बुलाओ डीएसपी को और चीफ मिनिस्टर को। साले कुत्ते, तुम्हें इस चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर के हाथ में पहना हुआ रोलेक्स वॉच दिखाई दे रहा है? ये मैंने दिया था, वो भी बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के लोगों का कवर स्टोरी लिखने पर। इससे मैंने रोलेक्स वॉच भीख में दी थी, सेम रोलेक्स गोल्ड चैन वॉच। क्या कहा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। ना केवल ये घड़ी, बल्कि इसने स्कॉच लड़कियां कैमरे तक मांगा था अपने बाप की कवर स्टोरी लिखने खातिर। बकवास बंद करो। सिक्योरिटी, इन्हें उठा के बांध दो। Come on, shoot me. Shoot me. Shoot. चला गोली, सोच कर आ, चला, चला गोली। सुनो मिस्टर वामचंद, तू क्या और तेरी औकात क्या? तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश तुम कर लो। जाकिर हुसैन अकेला ही तुम सब पर भारी है। चाहे तो अपने जितने बाप है उन सबको खबर कर दो। मुझे पता है तेरे कचरे न्यूज़पेपर को किन किन लोगों ने हाइड्रोजन बैलून जैसा बनाया है, सबको जानता हूँ मैं। अगर दिल करे तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बुला ले मेरी फैमिली पर मिसाइल दागने के लिए। किसी से नहीं डरता ये जाकिर हुसैन। ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगा। मेरे पत्र में तेरे बारे में लिख लिख के तेरा नाम मिटा दूंगा। मेरा नाम केरला पत्रिका का चीफ एडिटर मामा चंद्र है। द मीडिया टाइकून, द मीडिया मुगल और मीडिया के गॉड, द इंडियन रीइंकॉर्नेशन ऑफ रूपक मॉडक, पूरी मीडिया जगत के सर्वोपरि मन्नल को ममचन। तू क्या समझता है मन्नल को ममचन, कि ऊपर आकाश में जो देवी देवता बैठे हुए हैं और नीचे जो यहाँ पर पूरी प्रजा है, वो सारी की सारी प्रजा तेरी अखबार को पढ़ती है, तुझे ऐसा ही लगता है ना मन्नल को मामचन? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तेरी गलत फहमी है। और ये भी गलत फहमी है कि तू मीडिया जगत का सर्वोपरि है मन्नल को मामचन। तेरे एक बार फोन करने पर तेरे सारे मंत्री, धर्मगुरु, चुने गए सब नेता, आईएएस आईपीएस टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट सब तेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चले आएंगे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे सारे मंत्री, सारे धर्मगुरु, चुने गए सब नेता, आईएएस आईपीएस आईएफएस टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स, ये हाई क्लास के लोग, ये सब लोग तेरे पेपर, तेरे इस अखबार की आड़ में छुप कर बैठते होंगे। ये लोग तेरे दया पर जीते होंगे, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ अच्छाई ही तू अपने पेपर में छापता है। उन सारे लोगों की बुराइयों को छुपाकर, उनकी गलत आदतों को छुपाकर तू पत्रकारिता पे कलंक लगा रहा है। एक बात तू अच्छी तरह जान ले कि तेरे पेपर की अहमियत टॉयलेट पेपर जितनी भी नहीं है, और तेरा ये येलो चैलेंज मक्खी पकड़ने के काम भी नहीं आएगा, क्योंकि तेरे लोगों की कैटेगरी का नहीं है जाकिर हुसैन। आई डोंट केयर, समझ गए? तू शायद जानता नहीं कि यह ट्रस्ट मुझे जान से प्यारा है। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में किस्मत के मारे हुए लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बुरा लिखता है तेरा ये अखबार।
तेरा ये न्यूज़पेपर जो कि बहुत ही घटिया है और मेरी समझ से वो सिर्फ टॉयलेट में यूज करने के लायक है। एक बात याद रख मामचंद, तेरे परिवार में भी औरतें बच्चे हैं, मैं उन लोगों की इज्जत भी बाजार में नीलाम कर सकता हूँ। अगर तेरे घर की औरतों के साथ ऐसे हादसे हो तो तुझे पता लगेगा कि इज्जत और सम्मान क्या होता है मांचो। अगर एक बात याद रख ले मांचो, अगर आज के बाद तूने उन लोगों के बारे में कुछ लिखा तो ये जाकिर हुसैन इससे बुरा तेरे लिए और कोई नहीं होगा, तुझे बर्बाद कर देगा। एक बात और, अगर तुझमें जरा भी शराफत बची है तो उसको बचा के रख, ये तेरी मर्दानगी को जिंदा रखेगी मामचंद। चल रे हामिद चल। आ रामेटन, गुड मॉर्निंग, टेल मी। ए हाय। रमन भाई को तूने फोन किया था ना? यस। वो बोल रहे थे कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है और तू मेरे से अर्जेंट मिलना चाहती है, तो बता ना क्या प्रॉब्लम है। अरे अरे, मुझे किससे मिलना है? मैं किससे क्यों मिलने वाली? अरे पापा से मिलना है तो यहाँ क्या कर रही है? चल मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे चल आ जा। अरे मैं तेरे पापा के गेस्ट हाउस ही जा रहा हूँ। वाओ, बढ़िया ड्रेस है। What? अरे क्या खुशबू है। Sorry, तुम कहाँ हो ये पता करना चाह रही थी। इसलिए रमन जी को फोन किया और पूछा कि जाकिर हुसैन कहाँ है, मगर इससे पहले तुम खुद ही वहाँ पर पहुँच गए और मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर चले आए। Anyway, thanks. तुम अच्छे इंसान हो। उससे पहले केरला में नाकाबंदी के वक्त आपसी नोकझोंक और तकरार की वजह से तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाई। अब छोड़ो भी उन बातों को याद करने से क्या फायदा है। अभी से देखो, एक बुड्ढा और उसकी बेटी। यू? अच्छा बताओ, बुड्ढे का क्या ख्याल है तेरे बारे में और क्या सोचते हैं तेरे सस्पेंशन के बारे में? उनकी भी तो पहुँच बहुत ऊपर तक है। अरे एक बात बताओ, द ओल्ड मैन इज सो थ्रिल्ड। तुम्हें मैं अपने एक पर्सनल बात बताऊं, मेरा पुलिस की वर्दी पहनकर किसी भी एरे गैरे को सैल्यूट करना मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। He hates my job. वो पुलिस वालों को और पुलिस की वर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा? Like you, male chauvinistic stinks. हाँ, मैंने अभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी इसलिए कह रही हूँ। और पापा को भी बताया है मैंने। क्या? वो जिप के बारे में। ए? सच में? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? एक 24 साल की जवान लड़की जो जिप लगाना भूल जाती है और उसे देखने वाले तुम पहले आदमी हो। तो क्या हुआ? तुमने मुझे इस नजर से देखा, ये सोच के मुझे बहुत शर्म आ रही है और इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ऐसा क्या? अब ज्यादा सपने मत देख। एक बात जानती है, तेरे लिए मैंने एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखा है। एक बुड्ढा आदमी है जो किसी अजीब सी जगह से आया है। उसका नाम है रामवर्म तिरुमलपाट, अब तक कवारा है। हाँ तो बताओ क्या ख्याल है उस रामवर्म तिरुमलपाट के बारे में? बहुत ही अच्छा इंसान है। दोबारा मेरा हाथ इस तरह से पकड़ने वाले आदमी तुम ही हो, इसलिए I'm sorry. यही वह हाथ है, यही वो नाजुक हाथ है जो उस दिन मेरे ऊपर डंडे बरसाने जा रहे थे। बहुत नाजुक हाथ है ये। तो बताओ ना, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? बताओ। तुम्हारे जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की मेरे जैसे खतरनाक अपराधी के पीछे पड़े, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर तेरे मन में ऐसा कुछ हो रहा है तो रोक ले तू, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि मैं जाकिर हुसैन हूं। जस्ट हेट मी। चाहत हो तुम, दिल की रात हो तुम, ही मेरी मोहब्बत हो ओ सनम। तूने ही चुराया इस दिल का चैन, खोया रहता हूँ।
चाहे दिन हो या रे, चुपके से आके इस दिल में डाला तूने मुझे मुश्किल में, रहने लगी है तू मेरे दिल में ओ सनम। तुम पहली चाहत हो, तुम दिल की राहत हो, तुम ही मेरी मोहब्बत हो ओ सनम। बदन में है भीनी सी खुशबू, जिसमें तेरा फूलों की एक सेज है, बिना किसी दाग का एक चांद हूँ मैं तो, नजरों से ऐसे तुम वार ना करो। आज मुझे इन होठों से चांद का चुंबन लेने दो, उजले बदन की चांदनी में मुझको आज नहाने दो। कहता है चंचल मन छूने दे सोने का बदन, आ लिख दूं नाम दिल पे। तुम पहली चाहत हो, तुम दिल की राहत हो, तुम ही मेरी मोहब्बत हो सना। तू दिल की प्यार वाली खिड़की, मुझे तुझसे करनी है बातें प्यार की। धीरे धीरे खोले से नाजुक बड़ी है, तेरे लिए सनम मैं तो बनी हूँ। होठों से कुछ न कहो, आँखों से कहने दो, अपने हुस्न के जाल में मुझको कैद रहने दो। पहली चाहत हो, तुम दिल की राहत हो, तुम ही मेरी मोहब्बत हो ओ सनम। तूने ही चुराया है इस दिल का ये चैन, खोई खोई सी रहती हूँ चाहे दिन हो या रात। चुपके से आके इस दिल में डाला तूने मुझे मुश्किल में, रहने लगी है तू मेरे दिल में ओ सनम। तुम पहली चाहत हो, तुम दिल की राहत हो, तुम ही मेरी लगन लगन हो सनम। इतनी जल्दी क्या है, आराम से जाओ। सलाम सर। हाँ।
सर सर प्लीज मैं गाड़ी पार्क करवा दूंगा, आप चाबी दे दीजिए। हाँ मुंह में पान था ना इसलिए सुन नहीं पाया, बोल। सर मिनिस्टर साहब की गाड़ी आ गई तो चल। ए डेविड ध्यान किधर है तेरा? अबे ध्यान से सुन, विनायक राव जी को देखने आया हूँ रे, और गाड़ी जरा देख के चला उल्लू। गाड़ी चलाते वक्त अपनी आंखें खुली रखा कर समझा, वरना घसीट के मारूंगा, चल भाग। ए जोसेफ मंत्री जी नहीं है क्या? क्या है कि ऑस्ट्रेलियन लंदन मेरी 8 से 8 तक सचिवालय में ड्यूटी है, 10 से 5 मिनट में मंत्री जी आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। ये लंदन से कब आएगा? बेवकूफ कहीं का, कभी सुधरेगा नहीं। छे, कितनी बार कहा है कि मैं जब घर में रहूं तो किसी को मत आने दिया कर। गुड मॉर्निंग सर। बोलो डेविड, पहले तुम बॉम्बे स्ट्रीट पर ऑटो चलाते थे क्या? आपको कैसे पता चला? अभी अभी वो लोग बता रहे थे तुम्हारे बारे में सारी बातें। हाँ सर चलाता था। सर यूनिफॉर्म पहनने से पहले, कॉलेज पढ़ने से पहले। और तुम हिंदी सिनेमा में अभिनय भी करते थे है ना? क्या सर आपको पता चल गया सर? स्टंट मास्टर सर, सदाशिव अमरापुरकर का डूब था। तुमने भी लाइफ में बहुत पापड़ बेले। अच्छा ये बताओ, बॉम्बे में तुम्हारी मुलाकात जाकिर हुसैन से कब, कैसे और कहाँ हुई थी? और मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई हाजी मुस्तफा अनाथालय से करके IPS कंप्लीट किए थे क्या? जाकिर के अलावा तुम्हारी हेल्प करने वाला दूसरा और कोई नहीं था क्या? बिल्कुल सर, मैंने जब जब जाकिर भाई को अपनी प्रॉब्लम बताई तब तब जाकिर भाई ने खुले दिल से मेरी मदद की, मतलब कभी भी मेरे साथ कोई समस्या नहीं रही सर, इसलिए जाकिर भाई का काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाकिर भाई का काम करने में ऐसा लगता है जैसे मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, वो काम करने से सुकून मिलता है सर। ये सब बात तो आप जानते हैं सर। डेविड सर छोड़ो, विनायक राव को इन बातों से क्या लेना देना। अच्छा ये बताओ कि जाकिर हुसैन की मीटिंग के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। वो कल किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ अगर आप भी उस मीटिंग में आने में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको खुद लेने आ जाएंगे। गुड। समय और जगह बता दो, मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। सर हाँ मेरी बात सुनो डेविड। सर इस होम मिनिस्टर विनायक राव को तुम्हारा कोई भी उल्टा सीधा काम होगा तो बताने में हिचकना मत, समझ गए तुम? मैंने CM साहब से बात कर ली है तुम्हारी पोस्टिंग और प्रमोशन के बारे में। ये पोस्टिंग प्रमोशन क्या है सर? सुनिए आपको मंत्री बने 6 महीने हुए हैं सर, और इस 6 महीने में मैंने कोई रिश्वत नहीं ली सर, और जब तक ये वर्दी पहना हूँ तब तक मैं कोई रिश्वत नहीं लूंगा सर, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है सर। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुंबई कॉरपोरेशन में टॉयलेट साफ करता था ये डेविड, जानते हैं सर? जाकिर भाई से मिलने से पहले उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है सर, मगर अब जो कर रहा हूँ उसमें गंदगी है सर। वैसे इस यूनिफॉर्म में कोई गंदगी नहीं है सर, आप जैसे लोग उस काम को गंदा समझते हैं, दरअसल गंदगी इस जॉब में है। यस सर करके सैल्यूट करना, इस काम से मुझे चिढ़ है, नफरत है, पर सर इस समय मुझे कोई शिकायत नहीं है सर, क्योंकि मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक्स। कोचिन में मिलते हैं सर। अरे डेविड हाँ, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सारी बातें तुम, और वो नसरानी क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, और जो कुछ भी वो करना चाहता है वो सारी बातें तुम भाई से जाके कह दो अभी। अरे घबराइए, हंसता साला। अरे आइए SP साहब। अबे झूठे हरामी मलयाली। रमन जी देखिए कितना झक्कास दिख रहा है यूनिफॉर्म में। वो सब छोड़ो, देखो रफी की यादें। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले।
रफी साहब का लंदन का लाइव प्रोग्राम, बॉम्बे मार्केट में अभी रिलीज हुई ओरिजिनल कॉपी, तो मैं लाने को कहा था ना, ले आया। सर माउंट ब्लैंक, रात में नींद ना आए तो सुन लेना, अभी तो आपको टाइम नहीं होगा, अभी तो ट्रस्ट चलाने में इतने बिजी हो आप, जब भी फुर्सत मिले सुनना जरूर लीजिए। और मेरे लिए क्या लाए हो डेविड? भाई पुलिस स्पेशल, स्टेट पुलिस की तरफ से। रख ले तू, तुम 3 बजे यहां पहुंच गए थे ना, तुम्हें पुलिस क्लब में ठहरने की क्या जरूरत थी, यहां पर आ जाते तुम भाई। और डेविड, मैंने सुना कि तुमने त्रिवेंद्रम से ड्रिंक कर कर यहां तक आए, और त्रिवेंद्रम से कोचीन तक तुमने बहुत ही फास्ट ड्राइविंग की और 2.5 घंटा लगा तुम्हें यहां तक पहुंचने में। तो अपॉइंटमेंट 9 बजे का है, और तुम्हारा मिनिस्टर आइलैंड टूरिस्ट होम में है, लॉयल विलास विलास राव, कम। अरे क्या कर रहे हो, अभी तक तुमने मेरे लिए एक ड्रिंक भी नहीं बनाई। अरे सर, डॉक्टर ने तो उस दिन आपको पीने के लिए मना किया था ना सर। ओ, उनकी बात छोड़ो, डॉक्टर का तो काम ही ऐसा बोलते रहना, अच्छे भले लोगों को बीमार कर देंगे। हाँ। अरे क्या बात है, कुसुम यहाँ आई हुई है, क्या हाल है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? अरे बैठो ना, और कैसा चल रहा है तुम्हारा सीजन? हाँ, आम का बगीचा ठीक है ना? हाँ, अगले सीजन में मैं इस बच्चे के लिए 5 एकड़ जमीन में आम का बगीचा लगाने वाला हूँ। अरे पिताजी, वो देखिए, हाँ, वो आ रही है। हेलो, जब मैं कहूँगी तब कहना। टूरिज्म मिनिस्टर से बात करनी, हाँ, पड़ेगी पहले। ओके ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। आइए आइए विनायक राव जी। आइए, नमस्कार। नमस्ते विनायक राव जी। हाँ, आपके ग्रुप में गिरजा जी, मैंने सुना है गुलाब का भी नाम शामिल हो गया। नए कैबिनेट मिनिस्ट्री में मेरा नाम आ गया है, ऐसे पिताजी कह रहे थे। हाँ, मैंने आपको बताया ना, कल मैंने टीवी न्यूज में देखा था, इस तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर बनावटी हंसी हंसकर स्टेटमेंट दे रही थी, चीफ मिनिस्टर को, प्रदेश के कमेटी अध्यक्ष को और हाई कमांड को, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये है इसकी नेतागिरी, ये है इसकी ताकत। हाँ, ये है मेरा बेटा रोहित राव, आने वाले इलेक्शन में मैं इसको काजरकोट से चुनाव में खड़ा करने वाला हूँ, आप जरा सिफारिश कीजिएगा। ओहो, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, पोचम पल्ली नहीं, की है? नहीं नहीं, बनारसी साड़ी है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ड्रेस की इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी साड़ियों का स्टॉक जिस औरत के पास है, ऐसी औरत केरल में सिर्फ यही है, ऐसा मीडिया ने कहा था। थैंक यू सर। अब देखिए क्या है, आज आपके पिताजी ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, आपके पिताजी हाई कमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट की 6 टिकट। विनायक राव जी, जैसे हाई कमांड आते हैं तो वैसे ही हमारे पास जो 6 सीटें हैं उनका सपोर्ट हमें हाई कमांड को सौंपना है, यही ऑर्डर है हाई कमांड का। अरे जल्दी चल, प्रेस वाले आने वाले हैं। सुनिए। राज्य के सारे पॉलिटिशियंस में एक ही नाम ऊंचा है, राजमाता की तरह। थैंक्स, बाय विनायक राव जी, चल जल्दी चल। राजमाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, जानो उन लोगों के पीछे। आओ चलते हैं। क्या हुआ हमारी लिस्ट के कोई डाउट की बात नहीं है, गिरिजा जी जो लिस्ट दी है उसमें गुलाब जी का नाम है, वो बिल्कुल गुलाब जी के विरोध में नहीं है। नहीं मैडम, वो हमारी तीसरी वाली मांग के बारे में। तीसरे मोर्चे की क्या बात कर रहे हो, हमारी पार्टी में बड़े और बुजुर्ग नेता है जो बहुत जानकारी रखते हैं, उनके सामने तो ये बच्चे हैं, रातों रात बने युवा नेता एमएलए का क्या बिगाड़ सकते हैं। बढ़ती उम्र की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ है, डायबिटीज बीपी की वजह से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, युवा लोगों की अंधी आशाएं हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलो जल्दी चलो, हटो हटो हटो,
अरे हटो हटो पीछे, आइए आइए मैडम। मैडम प्लीज एक सवाल भाई के बारे में। कौन सा ब्रदर, किसका ब्रदर, कैसा ब्रदर? मेरा कोई ब्रदर वदर नहीं है, जो ब्रदर है वो यही है। नहीं, आपके सगे भाई के बारे में। ओह, यू मीन माय ओन ब्रदर? यस। सॉरी, हमारा ब्लड ग्रुप चेंज हो गया, रिश्ते बदल गए हैं। नहीं नहीं, वो प्लीज अब हम दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो पिताजी को छोड़कर चला गया, ही इज नो मोर। डेविड, मैंने सुना है कि तेरा मिनिस्टर आजकल सुबह सुबह ही दारू पीनी शुरू कर देता है। हेलो, हाय, याद है ये मेरा चेहरा? उस दिन वो फ्लाइट में। हाँ याद है। अरे आप तो हमेशा टीवी में छाई रहती हैं। हाउ डू यू रेट मी? व्हाट? हाउ डू यू रेट मी? बोलना जरूरी है प्लीज। एक सेकंड इधर आइए, तो मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। वेल, अगर आप बुरा ना माने तो बकवास। व्हाट? आप बिल्कुल बकवास हैं। ये जो आपने मेकअप किया है ना, ये रंगीन लिपस्टिक, ये कलरफुल फैशन, ये चमकदार साड़ी, ये लोगों की नजरों में आपके लिए नौटंकी है। ये मोबाइल और ज्वेलरी शॉप, लोग सोचते हैं कि आप इस पार्टी को लीड कर पाएंगी, पार्टी को आप पर भरोसा है। प्लीज, ये जैसे भी आप दिखते हैं, ये आपके पार्टी के लिए बिल्कुल फिट है। आप अपनी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। योर पार्टी डिजर्व्स यू, जनता भी आपको पसंद करती है, और भाई करे भी क्यों ना, क्योंकि आप है ही बहुत अच्छी। बाय। एक बात और, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों के लिए तुम सिर्फ एक कठपुतली हो। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे तुम्हें नचा सकती है, लेकिन इसके बावजूद तुम बहुत अच्छी हो। गुड बाय। एक्सक्यूज मी सर। ओ मेरे भगवान, ये कौन आया है मेरे घर पे? आओ आओ जाकिर भाई। विनायक राव जी, पीने के लिए कुछ लाओ क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, ना ही ये कुछ लेता है, ना पीता है, ना कुछ कर, मतलब कोई वीकनेस नहीं है। बोलने की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड वाले कहते हैं वो क्या है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, भयंकर डिसिप्लिन है कि नहीं? आओ यहाँ बैठो। देखो जकीर, तुम भाग्यवान हो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज ही मैंने फोन करके फायरिंग किया था तुम्हारे बारे में, केरल की जमीन का क्या चल रहा है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करने के लिए। तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी केरल की जमीन से इंटरेस्ट है। उसी के बारे में मैं कल कैबिनेट में जाके एकदम से भड़क गया, साफ तौर पर कहा, मेरे प्यारे सीएम जी, जाकिर हुसैन प्रेस ऑफिस में जाके जो भी लफड़ा किया था, अगर उससे उसके मालिक को एतराज है तो वो लिखित रूप से कंप्लेन करे, जो भी होगा उस मैटर को मैं देख लूंगा। सादे पेपर में लिखी बात का अगर एक्शन लेना है तो उसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसा मेरी सोच है, अगर नहीं चाहिए तो जाने दो। हमीद, एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, यू वेट आउटसाइड, आई कॉल यू सर। वैसे जकीर भाई, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मतलब वो गाने में और डांस में बहुत स्मार्ट थी, पार्टी में बहुत सुंदर दिखती थी, ऐसा मैंने सुना है। एक बार बोट से भी पानी में कूद गई थी, 6 साल की उम्र में तुम्हें अकेले छोड़ के भाग गई थी, इस बारे में मैंने इंग्लिश पेपर में पढ़ा था, इसका मतलब मैंने सुना है वो सच है। मिस्टर वेक्चन, हाथ हटा लीजिए। यानी मेरी बात एकदम सच है। तुम एक हराम की औलाद हो, इसीलिए हरामीगिरी करते हो। छोटी बेटी, ये लो एक लार्ज पैक बनाओ, मेरी आत्मा की शांति के लिए। मैं अब जो तुमसे बात करने जा रहा हूँ जाकिर, ये 5-10 रुपए के जॉनी वकर वाले पैक के अल्फाज नहीं है, ये सारे राज्य में राज करने वाले डिसेंट पॉलिटिशियन की है। मैं इस स्टेट का वो होम डिपार्टमेंट हूँ जो इस स्टेट का एक सेकेंड पावरफुल कमांडर ऑफ चीफ है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? Tell me your price. मेरे बच्चे, ये तो तुझे पता ही होगा कि गुंडागर्दी में तू बहुत बड़ा डॉन है, इसीलिए भी नहीं, और ना ही विनायक राव तुझसे डर के तुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा। तुझे ये अच्छी तरह पता होगा, यू नो माई इंटेंशन, कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस विनायक राव को सपोर्ट के लिए कौन कौन है? जानता हूँ मैं, मुझे पता था, बालारामन, कोणार्क, जानता हूँ मैं,
तू और तेरे महान कामों को भी मैं जानता हूँ जो कि तू विश्वास के साथ करता है, और ये भी मैं जानता हूँ तेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 केस चल रहे हैं मिस्टर मंत्री, और ये भी मैं जानता हूँ कि तू और तेरा पूरा मंत्रालय कैसे बचा है, गरीबों के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग करता है और उन पैसों से नेताओं को खरीदता है। चलो हमें फिलहाल चलते हैं। नावेल, ए, सुनो, तुम जाओ यहाँ से। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने अभी मेरे दो रूप ही देखे हैं, दो ही नहीं एक और चेहरा है। विनायक राव का तीसरा रूप नहीं देखा? अबे कुत्ते, ये जो तेरी मूछ ऊपर रहती है ना, उससे लोग डरते होंगे। अबे हरामी, ये जो तू अपने मुंह पर मोटी मोटी मूछे रखता है ना, उसे हमेशा सिनेमा के स्टाइल में घुमाते रहता है तू, उससे कोई और नेता या मिनिस्टर डरता होगा। तुझे मैं बॉम्बे से कोच्ची में लाकर इतना बड़ा किया ये तेवर देखने के लिए नहीं, तेरा इस्तेमाल करने के लिए। अरे तेरे से बड़े बड़ों को मैंने देखा है अपने गाँव में, तो फिर तू किस खेत की मूली है? अरे तेरे दूध के दाम तो अभी गिरे नहीं है ठीक से, और तू विनायक राव को धमकी देने आया है? तुझे मैं देख लूंगा, देख लूंगा तुझे। माइंड योर लैंग्वेज मेरा हाथ। विनायक राव जी प्लीज। चुप, विनायक राव के बच्चे। ए बता रहे, विनायक राव ने तुझे कहाँ पढ़ाया है? अबे जकीर, इस पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स को और होम मिनिस्ट्री को अपनी उंगली के इशारे पर नचाने वाला ये विनायक राव, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे तेरा बोरिया बिस्तर बांध के, ये विनायक राव एक तिनके की तरह इस स्टेट से बाहर फेंकवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, समझे? इस विनायक राव की मदद करने वाले लोग, इस विनायक राव की जिंदाबाद करने वाले लोग, और इस विनायक राव के खिलाफ जाने वाले को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग बहुत पड़े हैं मेरी पार्टी में, बहुत लोग हैं, लाखों लाख लोग खड़े हो जाएंगे मेरी पार्टी से एक आवाज पर। अगर मैंने एक भी आवाज लगाई तो हमारी पार्टी के लोग तुझे कुत्ते की तरह फाड़ के फेंक डालेंगे, समझा क्या? जाकिर हुसैन, वो छोड़, औलाद जैसे मसल्स वाले लोग सैकड़ों की तादाद में है मेरे पास, जिनको एक इशारा करूंगा ना और उनके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा डालूंगा और उनको एक इशारा करूंगा तो तेरी जान ले लेंगे वो। मैं अगर कहूं तो तेरे हाथ पैर बांध के वो यहां से अपने स्टेट में लेके जाएंगे, वो दिन रात तुझे टॉर्चर करेंगे, तुझे तड़पाएंगे, तुझे रबर की तरह नोच डालेंगे। वो है ना, वो तेरा बाप जिसे तू बापू बोलता है। जाने दे, तू अभी बहुत छोटा है। और देखे मेरा हाथ, मेरे हाथ में ये जो गट्ठे पड़े हैं ना, ये गट्ठे ऐसे नहीं पड़े हैं, समझा? पिछले 45 साल में केरला के अंदर मशीन चलाकर बनाया हुआ फौलादी हाथ है ये देख, तूने जितने को नहीं मारा विनायक राव ने, इन्हीं हाथों से तुझसे कहीं ज्यादा खून किए हैं इस विनायक राव ने, समझ गया क्या तू? तूने गन देखा है क्या? गन कभी? चल बता मुझे, बता मुझे। वो जो तेरे हाथ में लेके घूमता है ना, वो 150 ग्राम का तमंचा, वो नहीं गन, अबे डबल बैरल गन, गन क्या? अच्छा वाला डबल बैरल गन है मेरे पास, हफ्ते में 2 बार उसमें तेल डाल के साफ करके अपने कमरे में संदूक में रखा है। 10-15 तो हमारे घरों की दीवारों पर टंगे रहते हैं ये डबल बैरल गन, डबल बैरल गन। अरे जरूरत पड़ने पर उसे यूज करने में नहीं चुकेगा ये विनायक राव, तुझे भी गोली मार सकता है ये विनायक राव। तेरे को बोला था हाथ मत रख, साले तेरे जैसे बहुत कमीनों को मैं देख चुका हूँ। क्यों रे, तू मुझे बताएगा कि तू कितना बड़ा गनमैन है? अबे तेरे जैसे गनमैन को तो मैं यूं चुटकी से मसल के रख देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है जाकिर हुसैन। तेरे को क्या लगता है मैं तुझे जानता नहीं? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुझे। साले चार मीनार के नीचे बैठकर एक एक बीड़ी के लिए तरसता था तू, और आज तू इतना बड़ा महारथी बन गया है। ये भी मैं जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तूने कितने कुकर्म किए हैं। अगर इन्हीं घुटनों से मैंने तेरी छाती न तोड़ी तो मेरा नाम जाकिर हुसैन नहीं। तू जो नेता बनकर गरीबों का खून चूस रहा है ना, तुझे पता नहीं कि जब जनता का आक्रोश जाग जाता है तो वो तेरे जैसे नेताओं का क्या हाल करती है? मुझे अपनी ताकत दिखाएगा। इस वक्त मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तुझे अच्छी तरह से पटक पटक के मारू मैं। चल सुअर साले, तू जानता है ये कौन है? ये अहिंसा के पुजारी थे। अब तू इन मेरे हाथों को देख, ये मेरे हाथ पूरे खून और हिंसा से भरे हैं, लेकिन किसी निर्दोष का मैंने कभी कोई बुरा नहीं किया। सब जानते हैं कि मैं गुंडा हूँ, इसके बावजूद मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितना महान थे, और जाकिर हुसैन इनकी बहुत इज्जत करता है। तेरे जैसा नेता ही इस देश को बर्बाद कर रहा है। वो गरीब लोग जो तेरी पार्टी के लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं, वो प्रजा, वो गरीब जनता जो तुझे सपोर्ट करती है और ग्रुप बनाकर तेरी पार्टी के झंडे हवा में लहराती है और तेरे लिए जिंदाबाद के नारे
नारे भी लगाती है। ऐसे गरीब लोगों के आंसुओं से खेलता है तू, और तू उस पे बैठ के राजनीति करता है। उनकी मेहनत की कमाई पे तू विदेश यात्राएं करता है, उनके खून से अपने सारे शौक पूरा करता है, महंगी सरकारी गाड़ियों में घूमता है, गेस्ट हाउस में लड़कियों के साथ मजे करता है और अति विशिष्ट सुरक्षा के घेरे में रहता है। तेरे जैसा कमीना इस देश का गलती से राजा बन बैठा है, जबकि तुझ जैसे कमीने को तो किसी गली का भिखारी होना चाहिए था। यू ब्लडी, इस देश को खोखला करने वाला नेता, इधर आ, तुझे बताता हूँ इस आदमी के बारे में। इस महान आत्मा ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया, वो भी पूरे साहस के साथ, पर तुझ जैसे गंदे लोगों के नाते इनको भी असंतोष उठाना पड़ा। हाँ, तुझ जैसे गंदे नेता के कारण इस महान आत्मा को इन्होंने अपने रग रग से, खून के हर कतरे से देश के हित में, देश के लिए राजनीति की है। इनको क्या पता था कि एक दिन कोई नाथूराम गोड से गन लेकर आएगा और इनके सीने में गोली दाग देगा और मरते वक्त इन्हें कहना पड़ेगा, हे राम, कभी ने तू क्या समझेगा ये बात। इन्होंने महात्याग किया है, इस देश के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, चारों तरफ हिंसा फैलाते हो। अरे मैं होता तो तुम जैसे कमीनों को खुद AK-47 से भून के रख देता और ऐसे सब लोगों को मार डालता, खत्म कर देता। मैं चुन चुन कर खत्म करता, भगा भगा कर मारता मैं, और उसके बाद कहता हराम हराम हराम। इस महान आत्मा ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पूरे गरीब प्रजा के लिए पूरा समर्पित है ये। इस महान आदमी ने खुद अपने देश के लिए खादी के कपड़े बनाए और इस खादी से पूरे देश को भाईचारे का, एक रहने का संदेश दिया। सारे देश की ताकत को एक साथ लाए, ये खादी नहीं देश की आत्मा है। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट नेता इसे पहनकर इसकी इज्जत और सम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं, बर्बाद करके रखा है सब कुछ तुम लोगों ने। कोई हक नहीं तुझे, कोई हक नहीं तेरा इस खादी पे। जो बापू की कदर नहीं करता उसकी नजर में इस खादी का महत्व तो क्या होगा, इसीलिए उतार कर फेंक दे तू इस खादी को। चल उतार कर फेंक इस खादी को, तुझे इसे पहनने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं तुझे, क्योंकि तेरे जैसा भ्रष्ट नेता जिसकी शरीर जिसकी आत्मा सब कुछ बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुकी है, उससे इस खादी को पहनने का कोई अधिकार नहीं हो सकता, इसे उतार कर फेंक दे। हे राम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ए बीड़ू। जी भाई। प्यार ही जिंदगी। ए भगवान, अरे सुंदर भाई है क्या? हाँ है ना। वेटिंग फॉर रमन भाई। हाँ बीड़ू, वो भी मेरे शुभ चिंतक है ना। ट्रस्ट के काम से वो रजिस्ट्रार के पास गए थे और उसके बारे में राज्य के सेक्रेटरी से भी मिले, राजन पिल्ले से, और वहां जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार झूठ बोला, और वो झूठ बोला अपने सज्जन आदमी रमन भाई ने मेरे खातिर। और उसके बाद वो जाकर मुख्यमंत्री से मिले जो कि उनका क्लासमेट है, और उनसे ये प्रार्थना की कि जाकिर हुसैन को माफ कर दिया जाए। मगर विलास राव यहाँ का चीफ मिनिस्टर का राइट हैंड है और वो सीएम के बाद दूसरे नंबर पर है। सीएम के पास जाकर आपने जाकिर हुसैन के लिए भीख मांगी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता सिवाय विलास राव के। जबकि सीएम के कॉलेज के सहपाठी हैं कुरियन और आप रमन भाई, मैं सही कह रहा हूं ना? इसके बावजूद वो विलास राव की बात सुनेगा, आप लोगों की नहीं, क्योंकि वो उनकी पार्टी का एक प्रमुख नेता है। तो फिर आप मुझे बताओ कि वो जाकिर हुसैन को माफी कैसे दे सकता है? मुझे यहाँ चारों ओर सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, वो भी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ डर है सबकी आंखों में। लेकिन एक बात जान लो तुम लोग, मैं नहीं डरता, मुझे नहीं डर भाई। ए, मालूम है रमन भाई, फिर युद्ध होगा, और ये जो युद्ध होगा वो कोई नया नहीं होगा जाकिर हुसैन के लिए।
उस गृह मंत्री विलास राव, उस बलराम और देव देवन को पता है कि मुंबई में मेरी क्या हैसियत है। मैं चाहूं तो चुटकी में उन्हें बर्बाद कर सकता हूं। मैं बापू को मारने की कोशिश करने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। अगर उन्हें सजा देने में मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा और मैं खुशी खुशी अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। और मैं जानता हूं कि ये बात आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो ना हमीद भाई? क्या आपको विश्वास नहीं है रमन भाई? भाई रुक जाओ भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? भाई 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 ये क्या कर रहे हो भाई? भाई भाई रुक जाओ भाई, भाई नहीं भाई, नहीं भाई, ये क्या पागलपन है भाई? रमन भाई, मैंने ये हथियार क्यों उठाया ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं रमन भाई। इस जाकिर हुसैन के हाथ बचपन में खून से रंग गए थे और वो भी अपराधियों के, लेकिन तभी मुझे मिला ये रामन वर्मा तिरुमलपाड़ा, जिसके कारण मैंने ये हथियार छोड़ दिया। भाई मैं बेगम सुल्ताना का बेटा हूँ और मिशनरी में पला बढ़ा जाकिर हुसैन एक मुसलमान है। इसके बावजूद ये हिंदू होकर भी मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर माना इस रमन भाई ने। इस एलमदूर कृष्णवरम गोविलित विशाहम तिरुनाल शेखर वर्मा राम वर्मा तिरुमल पाड़ ने ये मेरे हर दुख से दुखी हो जाता था और हर परेशानी से परेशान। मुझे याद है जब मैं जख्मी था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो आप मुझे कोलीवाड़ा के उस ब्लैक लिस्टेड डॉक्टर मिथुन मंगेशकर के पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी में लेकर गए थे। मेरी हालत बहुत खराब थी, इसके बावजूद मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मेरे साथ उस वक्त आप जैसा और हामिद जैसा दोस्त था, इसलिए मुझे उस वक्त कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उस वक्त जबकि मेरी हालत इतनी खराब थी तब भी आप नहीं डरे थे, तो आज आप क्यों डर रहे हैं रमन भाई? क्यों भय है आपकी आंखों में? वो सारी बातें मुझे याद है और सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में है। आज मैं आपकी आंखों में भय देख रहा हूँ और ये भय मेरे मुंह पर तमाचा जड़ रहा है रमन भाई, तमाचा। मैं आपके बिना अधूरा हूँ, आप लोगों के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। ये लो रमन भाई। रमन भाई आप 100 साल जियो और खुश रहो, हंसते रहो। मैं और हामिद जब तक जिंदा हैं तब तक आप यहाँ पर एक महाराजा के जैसे सर उठाकर जियो रमन भाई, सही कह रहा ना वीडू? आप जानते हैं ना कि यह हथियार पिछले 20 साल से हामिद के शरीर का एक हिस्सा है। ये इसे नहीं छोड़ सकता, ये अपने लिए नहीं रखता बल्कि मेरे लिए रखता है। ए हामिद भाई, जब भी मुझे कोई बुरा सपना आता है, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो तुम मेरे सामने ढाल बनकर आ जाते हो हामिद भाई। जब तक जाकिर हुसैन के पास तुम जैसे दोस्त हैं तब तक उसका कोई बुरा कर ही नहीं सकता जो सिर्फ मेरे लिए जीते हैं और मेरे लिए मरते हैं, है ना रमन भाई? ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। हेलो, 1 सेकंड सर। क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर। ओह हेलो, विनायक राव बोल रहा हूँ। हाँ मैं फिर फोन करता हूँ सर। हाँ ठीक है सर, ऑफ करके रखो सर। हाय बाला। हाय। हाय डीडी। आइए सर, पिछले कई दिनों से पूरे स्टेट में तुम भटक रहे हो, हाई कमान के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर सहानुभूति बटोर रहे हो। होम मिनिस्टर को हटाने के लिए मैंने और डीडी ने करोड़ों रुपए अब तक बहा दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। कुछ बात याद है ना तुमको? हाँ, तुम इस तरह जली कटी सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो बलराम जी, क्या बात है बोलो। याद रखो, मैंने जो पिछली बार किया उससे 10 गुना ज्यादा करने जा रहा हूँ, मुझे उसका हिसाब चुकाना है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। यदि चीफ मिनिस्टर कल तुम्हें बुलाकर और कुछ कहेगा तो तुम उस रास्ते में चले जाओगे? बलराम जी, ए देखो नाम बिहार, इस सारे स्टेट में 16 डीजीपी को और सारे फोर्स को और सारे सीनियर ऑफिसर को फेस टू फेस समझाया हुआ है और बात किया हुआ है इस विनायक राव ने। उसको अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करके रखो, किसी भी हालत में उस जाकिर हुसैन को। ऐसा कुछ नहीं है, चखने से ही नमक का पता चलता है। बेकार में ही डरते हैं ये पुलिस वाले लोग,
उसको पकड़ के अंदर डालेंगे तो कपड़ा झटक के आराम से छूट के बाहर निकल जाएगा वो जाकिर हुसैन का बच्चा। उसके बाद वापस आकर मेरे पूरे खानदान को आराम से सफाया करके चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। हाँ देखो बलराम, उसको अरेस्ट करना है तो सिर्फ एक ही केस है। जब मैंने उसकी माँ की सच्चाई उसके सामने रखी तो उसने मेरे साथ जो किया उसी तरह उस जाकिर हुसैन के मरने पर उसके जनाजे पर मैं दो लोटा पानी डालना चाहता हूँ और मोहम्मद चंद के पेपर के फ्रंट पेज में उसकी लाश की तस्वीर छपवाना चाहता है विनायक राव, और उसकी लाश के सर के पास खड़े होकर आंखों में आंसू बहाते हुए एक्टिंग करना चाहता है ये विनायक राव। जिस दिन भी ऐसा हो गया उस दिन बहुत खुशी होगी इस विनायक राव को। किसी भी हालत में उसको छोड़ने वाला नहीं है विनायक राव। अगर ऐसा हो गया ना, कहाँ है पता लगा उसका? तुम क्या बोलते हो नामियार? तो फिर कहाँ है वो तुम्हारा जिसे तुम बॉम्बे के जेल से छुड़ा कर लाए थे और यहाँ रखे थे? कहाँ है वो? कौन है? ये देखो। कौन है ये? द विटनेस, मुंबई के एक मर्डर केस में मुझे और रमन नायक को साथ देने वाला, और नंबियार के चल रहे ड्रग्स के केस में ये भी एक है। जकीर हुसैन के लिए बहुत फायदेमंद आदमी है। ओए, समझ रहे हो तुम? इस स्टेट का होम मिनिस्टर हमारा थोड़ा सा साथ दे तो काफी है, है? इसको लेकर खेल खेल सकते हैं, सारे जकीर हुसैन का एनकाउंटर हो जाएगा। वाह पकड़ो। अरे क्या बात है अमित, नया लुक, नई गाड़ी, नया रजिस्ट्रेशन, अरे तू तो कमाल का है। उसे लेकर आया ना? चल आजा बेटे, आजा। अरे डरने की जरूरत नहीं, आजा। हे, मुंबई पुलिस को धोखा देकर तू यहां तक आया, बहुत अच्छा किया। और मुंबई से मैंगलोर उस मक्कार हाजी को चकमा देकर तू बीपुर से शिप के इंजन रूम में सबकी नजर बचा के वापस आया, लेकिन तूने बहुत तकलीफ उठाई हमीद के पास सुरक्षित पहुंचने से पहले, है ना? उन तरिंदों ने तुझे बहुत दर्द दिया, बहुत सताया उन कुत्तों ने, है ना अप्पू? ए अभी घबराने की जरूरत नहीं, शी इज माया। अप्पू अली जगन्नाथन एज फॉर मुंबई पुलिस रिकॉर्ड्स, यस ही इज ए क्रिमिनल बाय ऑल स्टैंड्स। ये वो साहसी युवक है जिसने कि उन बड़े लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, इसने देव देवन और रमन नायक के खिलाफ मर्डर केस में गवाही देने की हिम्मत की। ये वही साहसी युवक है, पहला इंसान जो कि उन क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़ा हुआ है ना? जकीर, I'm sorry. लेकिन इसे ड्रग्स रखने और बेचने के जुर्म में फंसा दिया गया। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद इसके खिलाफ 6 झूठे केस दर्ज किए और यह मुंबई पुलिस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हिट लिस्ट में है। कैन यू बिलीव दैट? इसके नाम पर कोई केस नहीं, फिर भी इसे जेल में 6 महीने तक गुजारने पड़े, वो भी एक क्रिमिनल के रूप में। महाराष्ट्र की एक रिमोट सबर्बन जेल में इसको रखा गया था, वहां से इसको वापस लाया, बट ही स्टिल वॉन्टेड, ऑपरेटेड बाई अर्जुन, ऑर्गेनाइज्ड एंड गाइडेड बाय बिलॉर्ड स्मगलर हमीद भाई। इसको मैं इसकी मां की दुआओं के कारण जिंदा देख पा रहा हूं। हाँ, तेरे आने की जानकारी तेरी मां को है, कम आज मैं आपके लिए सरप्राइज लाया हूं। उधर देखो कौन आया है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि यह धरती के किसी भी कोने में रहे मैं लेकर आऊंगा, और वो भी सकुशल। अपनी आंखों से देख लो। हाँ जोसेफ, हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में जो तुझे चाहिए वहां सब कुछ निकाल के बलराम ने रखा है। यू नो व्हाट? हाँ यस, पता है बॉस। जोसेफ याद रखना, कोई भी काम होशियारी से होना चाहिए। अगर ये बात कहीं भी लीक हो गई तो तेरी इज्जत नहीं जाएगी, मेरी इज्जत जाएगी, समझ गया ना? यस बॉस। देन गो अहेड, डोंट फेल दिस टाइम। यस बॉस।
जकीर हुसैन को जानने के लिए बलराम जब पहली बार मिला, उस मासूमियत के अंदर मैंने ओवर स्मार्ट आदमी को देखा। उसके चेहरे पे लिखी हुई शिकन को इस बलराम ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। सो हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो एक प्लानिंग के साथ था, है ना? यस बॉस। गुड। ए सुमन, उस मेडिसिन स्टोर के अंदर ड्रग्स भरा हुआ ऐसा बोल के अंदर जाओ। अंदर जाकर इस बात की छानबीन करो। जाओ फटाफट, गो। ए नो फोन कॉल्स। ए स्वामीनारायण, यहाँ से एक भी फोन बाहर नहीं जाना चाहिए। डिस्कनेक्ट ऑल लाइन। सर इधर। ए बोल, कहाँ है अप्पू? अबे कमीने हराम जादे, इस माँ के प्यारे लाडले, बता ड्रग्स कहाँ छुपा के रखा? बता ए हट, ए बता ड्रग्स कहाँ छुपा के रखा? बता हट, बता मुझे क्यों मार रहे? बता कहाँ छुपा के रखा है? आए शगुन, आज सुबह से कुछ अच्छे नहीं हो रहे हैं। वरिष्ठ करण सिंह को मुंबई में फोन किया था, आज रात उसकी फ्लाइट है। फ्लाइट ठीक 2 बजे टेक ऑफ हो जाएगी। ओह माय गॉड। हे मेरे भगवान, अगर वो अचानक से यहाँ आ गए तो मेरा क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानता। 2 मिनट पकड़िए। हेलो। हे मेरे भगवान, क्या हुआ रमन जी, क्या बात है? ट्रस्ट में पुलिस वाले आकर के अप्पू को गिरफ्तार करके ले गए हैं। ओह माय गॉड। हे मेरे भगवान, क्या अनर्थ हो रहा है ये? ए अमित, कहाँ है रे, कहाँ मर गया तू? रमन भाई, अभी अप्पू को जमानत नहीं मिल पाएगी और ना ही पुलिस कस्टडी से उसे छुड़ाने में तुम्हारा पटावी रमन कोई मदद कर पाएगा। लेकिन मैं अप्पू को किसी भी हाल में लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? ए रमन भाई, माया, अप्पू को छुड़ाने के लिए चाहे कितना भी पैसा लगेगा, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा, तो भी मैं उसे छुड़ाऊंगा। कुछ भी करना पड़े तो भी मैं उसे छुड़ाऊंगा। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। अब होगा असली युद्ध, वो भी बिना किसी हथियार के, है ना रमन भाई? दुआ करो हमारी जीत के लिए। ए हामिद, चल चलो। ए बीड़ू। अरे सुनो। बेटा, ये सब क्या होने जा रहा है? तुम्हारे पुराने दोस्त और यहाँ के प्रमुख नेता से मिलने जा रहा है ये जाकिर हुसैन। बेटे। हाँ रमन भाई, गृह मंत्री विलास राव का राजनीति में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिन का महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। परसों उनके फंक्शन का आखिरी दिन है। वो बोलता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं और एक सामान्य जिंदगी जीऊं तो अच्छा रहेगा। अब मैं अपना हथियार और अपनी जिंदगी उनको सौंप के अपने अप्पू को वापस लाने के लिए उनसे भीख मांगूंगा। नहीं बेटा, ये बहुत कठिन काम है, तुम उसमें फंस जाओगे। जाकिर हुसैन के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। टेल द CM आई एम ऑन द वे, मूव। अरे साले कुत्ते। हामिद, कूल डाउन। ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले इधर क्यों आ रहे हैं? ए जाकिर हुसैन, चल बाहर निकल। कम ऑन अरेस्ट। ए ऑफिसर, क्या ये? अगर आज मैंने तुझे गिरफ्तार नहीं किया तो मेरा नाम जोजो मेंडोसा नहीं। दिस टाइम आई एम टेकिंग यू। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट के मेडिसिन स्टोर में हमें ड्रग्स मिला है। रेड मारने पर वहाँ से चरस और ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, और नोटोरियस ड्रग्स स्मगलर अप्पू जगन्नाथ को तुमने अपने पास बना दी है, और आई एम अरेस्ट। ऑफिसर छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? हट यहाँ से। नो, शूट हिम यू बास्टर्ड, शूट हिम। हट कुत्ते। ए हामिद, हट।
गोली चलाने की हिम्मत है तुझमें? नहीं नहीं ऐसा मत करना। रमन भाई तुम मत घबराओ। नो नो हामिद। ए स्वामीनाथन इधर आओ। ए, नहीं नहीं स्वामीनाथन, ये हथकड़ी मुझे मत पहनाओ। ये उन लोगों का गहना है जो भ्रष्ट नेता है। इसे बेईमान बिजनेसमैन, अपराधी लोग और देश के सारे गद्दार लोग पहनते हैं। ये तेरी हथकड़ी उन लोगों के लिए गहना है, इसलिए मैं ये गहना नहीं पहनूंगा। ये हथकड़ी तुम उन लोगों को पहनाओ जो अपराध करते हैं, चोरियां करते हैं, जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आई बिलोंग टू द बिग लीग। ए, इसकी बकवास क्या सुन रहा है? अरेस्ट कर इसको। अरे, मैंने तेरे को क्या बोला था याद है? याद है तेरे को तेरी बीबी के बारे में, तेरे गृहस्थी के बारे में और तेरे फैमिली ग्रुप फोटो के बारे में? वो सब भूल गया तू? नो, आई विल गो विद हिम। कॉल द ब्लडी ड्राइवर। आई एम योर ऑनरेबल गेस्ट एंड यू विल बी माई ब्लडी एस्कॉर्ट। मूव। हे रमन भाई, डोंट बॉदर अबाउट मी। माया सेव अप्पू। क्या भीड़ू? राम 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 राम। हेलो हेलो डीआईजी प्लीज। हुज कॉलिंग प्लीज? हमीद, हमीदुल्लाह खान। कौन? हमीदुल्लाह खान बोल रहा हूँ। सुनिए सुनिए, देखिए कौन है। तू क्या हो गया तुझे? देखिए कौन है तू? यहाँ मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? देखो ना मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को क्यों उठाया? देखिए मेरा बच्चा। नो नो नहीं। चुप, आवाज नहीं करने का। हमीद नहीं। नो नहीं नहीं नहीं। हमीद मेरा बच्चा दे दो। नो। ए चुप रे चिकने, तुमने उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर जाकिर भाई को लॉकअप में डाल दिया है ना तुमने? अगर उसे कुछ हुआ तो तेरे बीबी को, तेरे बच्चे को सामने ही उड़ा दूंगा। ए चुप, हट कुत्ते। ज्यादा मत बोल। तू अपने स्वामीनाथन को बोल कि जाकिर भाई को छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे। नहीं तो कब्रिस्तान बना दूंगा इस घर को। कौन है फोन पर, जोसेफ है या हामिद? हाँ हामिद बोल। अरे हामिद घबराने की क्या बात है, डरना मत। देख बीड़ू, जाके तू माया से मिल और अप्पू के लिए जो मुंबई से डिटेल्स आए हैं उसके बारे में पता कर। कल अप्पू की जमानत की कोशिश करनी है और माया को अर्जुन से बात करने के लिए बोल, और वो भी जल्दी। चल ये लो। हाजी मुस्तफा ट्रस्ट में जब तुमने ड्रग्स रखी थी तब तेरे हाथ नहीं कांपे थे, तो आज क्यों तेरे हाथ कांप रहे हैं? चल पकड़ इसे ठीक से, जबान बंद रख, नहीं तो चल जा, जा। मैंने आपके इस फोन से 6 कॉल किए थे और एक मुंबई भी किया था, उसके बाद आपका प्लेइंग कार्ड भी खेला, इसलिए आप लोग 12,000 रुपया रमन भाई से ले लो। ए स्वामीनाथन, शहर में वीवीआईपी सिक्योरिटी का इंचार्ज तुम ही हो ना? सीएम के रूम के बाहर कितने लोग रहते हैं? एक संतरी और एक गार्ड, बस उतनी ही सुरक्षा होती है, सही कह रहा हूँ ना? डरो मत, मैं किडनैपिंग या मर्डर नहीं कर रहा हूँ यार। केवल मुझे सीएम से मिलना है। मैं यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट की एक गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, फुल टैंक डीजल के साथ मैं गाड़ी वापस करूंगा। अरे घबरा क्यों रहे हो? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वैसे भी ये गाड़ी पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सहूलियत के लिए है। हेलो, निकल गया क्या वो जकीर? गुड। तो अब तू नहीं बच पाएगा, तू कहां पर है वो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। डीआईजी जोसेफ अपनी गन पॉइंट पर गिरफ्तार करके ले गया था उस जाकिर को, लेकिन फिर भी वो बचकर निकल गया। ए इडियट,
तूने ही कहा था ना कि पुलिस के हाथ से कभी वो बचकर नहीं निकल पाएगा जाकिर हुसैन। सुन ले, अगर अब तुझे अपनी जिंदगी बचाना है तो सिर्फ यही आदमी तेरी जिंदगी बचा सकता है। जा जा जाके पैर पकड़ उनके। ए, क्या करते हो, हाथ खोलो इसका। जाकिर हुसैन का बहुत बड़ा राइट हैंड बनने वाला है, अब ये विनायक राव की हिफाजत में है। हाँ, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। चल, इन लोगों ने क्या कहा तुमसे सुन लिया ना तुमने, अब तुम्हारा क्या फैसला है बताओ मुझे। कल सुबह जाके कोर्ट में तुम ये गवाही देने के लिए तैयार होना कि तुम्हारे जाकिर भाई तुम्हारे जरिए लड़कियां और माल इधर उधर सप्लाई करते थे, ऐसा कहोगे तुम? हाँ, अरे क्या बोलते हैं रे उसको, हाँ, कोकिन, कोकिन। गवाही देगा कि नहीं तू बता पहले। अबे कुत्ते कमीने बता, वरना तेरी माँ जो आखिरी सांस अस्पताल में ले रही है उसकी जान बचानी है नहीं तुझे, वरना उसको शमशान घाट पहुँचा दूंगा और तेरा चहेता जाकिर हुसैन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ले जा रहे इसे, मार मार कर इसको मनाने की कोशिश करो, अगर नहीं मानता है तो इसको जान से मार कर खाली में फेंक दो। हेलो हेलो हमीद भाई, मुझे भी नहीं बुलाया और खुद भी बताने नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतना बुरा समय आ गया है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाँ, कौन है वहाँ? हमीद भाई, हमीद भाई। ओहो, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे लगा कोई होगा। आ रहा हूँ रे, आ रहा हूँ रे, आ रहा हूँ। हेलो हेलो, अरे आ रहा हूँ ना बाबा। हैं? सॉरी फॉर द सरप्राइज रमन भाई, सॉरी फॉर द शॉक। Hey मिस्टर, तुम अंदर कैसे आए? hey, अपसेट होने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पुलिस हिरासत से फरार हुआ जाकिर हुसैन के शिकार के लिए लाखों की तादाद में रहने वाले इस बंबई शहर के अंदर एक हिटमैन की टीम को भेजा गया है। hey, ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम मुझसे? hey, no, you, hey old man, don't do anything stupid. सुनो रमन भाई, कह दिया ना मैंने, उत्तेजना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बंबई के अंदर रहकर रमन नायक के आदमी इस काम को अगर अंजाम दे देते हैं तो इसके बाद तुम आजाद हो। मैं स्ट्रिक्टली बताता हूँ कि ये मिरेकल है। पिछली बार मुंबई में 6 गोली लगने के बावजूद सारे शरीर से खून बह जाने के बाद जिस तरह से मरा हुआ सांप जिंदा होता है, ठीक उसी तरह से जाकिर हुसैन भी जिंदा हो गया रमन जी। एक बार फिर से उसको जीवन दान मिल चुका है। गोलियों की बौछार के चलने के बावजूद बचकर वो अगर यहाँ आ गया तो तुम्हारा क्या होगा रमन जी? तुम्हारा मैं अब क्या करूँ? एक मोहरे की तरह अब तुम्हारा मैं इस्तेमाल करूँगा अपने बचाव के लिए। जाकिर हुसैन जैसे मामूली इंसान को डान जैसे शख्स भी आज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहां तक पहुंचाने वाले तुम ही हो ना। जैसे कमीने को मैं मार कर भी उस जकीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके खात्मा के लिए तेरा सहारा लेना पड़ेगा रमन वर्मा। तुझे इस तरह ढाल बनाकर जब तक मैं उसके सीने में गोली नहीं चलाऊंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ए रमन, ए रमन जी, रमन जी, रमन जी, रमन जी, आगे मत बढ़ना। ए रमन जी, नो। ए बलराम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का खून नहीं किया और मैं तेरा खून करूं उससे पहले तू चला जाए यहां से। रमन जी, ए चल पागल, तू मेरे बेटे जाकिर को मारने आया था ना, वो मौका तेरे को कभी नहीं मिलेगा। अब मर तू, यहीं पे मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, तू तड़पता रहेगा और मैं देखता रहूंगा। तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों से लिख हुई है, अब देख मैं तुझे कैसे तड़पा के मारता हूं। देख मौत का डर क्या होता है। तू मेरे बच्चे को मुझसे छीनने आया था ना कमीने। रमन जी, तू अपने आप को क्या समझता है? वो शेर है शेर, और तेरे जैसे गीदड़ ने उस पे हमला करने का तो साहस किया, तूने समझ क्या रखा था अपने आप को? अरे तू तो क्या, तेरे जैसे हजारों कमीने भी आ जाए ना तो भी मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकते। ए! ए!
रमन भाई, रमन भाई, ए रॉयल फैमिली के विशाखम त्रिनाल राम वर्मा शेखर वर्मा तिरुमल पाड़ किधर हो भाई? देखो भाई, मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आया हूँ। अभी तुम्हारे रॉयल पैलेस में तुम्हारे साथ मुझे आराम करना है, मुझे हर्बल मसाज कराने का है। ए, मुझे ये मौका दोगे ना? अरे अंदर छुप छुप के रो रहे हो क्या? अरे बाहर आ जाओ भाई, बाहर आओ, हम साथ मिलकर रोएंगे। ए हमीद भाई, एनीथिंग रॉन्ग? माया किधर है? किधर है मालूम नहीं। क्या बात है, एनीथिंग भाई? अपू, रमन भाई, रमन भाई, रमन भाई, रमन भाई, रमन भाई, रमन भाई, रमन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। हर गेट पे चारों तरफ अपने आदमी खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी एकदम टाइट है, टेंशन लेने की बात नहीं, फुल टाइट सिक्योरिटी।
लेकिन डीडी वो अगर अरे क्यों डरते हो राव साहब, यहाँ पुलिस और पार्टी के इतने लोग हैं, उनके बीच किसकी आने की हिम्मत हो सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए चलिए। केरला के बहुमान्य कैबिनेट मंत्री श्रीमान राव साहब इस समारोह के उद्घाटन के लिए अभी कुछ ही पलों में आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। ये आ रहे हैं राव साहब। हमारे देश के इस राज्य की भलाई के लिए, इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए, कुशलता पूर्वक सबको इंसाफ दिलाने वाले और आप सबके चहेते हमारे महान नेता, हमारे स्टेट का गौरव कहलाने वाले श्रीमान राव साहब अब आपके सामने आपसे मिलने के लिए इस वक्त उपस्थित हो गए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर आ गए हैं। सर सर अंदर जाने के लिए। अबे हटा उसको। सर ए हटाओ उसे, जल्दी हटाओ। जनता राष्ट्र पर विश्वास करने वालों, बहुजन नेता लोग, पार्टी के कार्यकर्ता लोग, कभी न भुलाने वाला तुम्हारा प्यार मेरे जिस्म में खून की तरह बह रहा है। मेरे खून का एक एक कतरा आपकी सेवा में समर्पित है, मेरी प्यारी जनता की सेवा में। मेरी प्यारी जनता, आपके सुख दुख में अभी तक मैं जिस तरह आपके साथ रहा हूँ, कभी भी किसी भी वक्त या विनायक राव आपके साथ हर पल हर घड़ी 24 घंटा आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, ये विनायक राव आपको वचन देता है। मेरे प्यारे साथियों, 24 घंटा आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, विनायक राव आपको वचन देता है। आपके प्यार सहयोग से मैं आपके सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा। मैं आप हर एक जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैंने जो कसम खाई है, मैंने जो शपथ ली है, उसकी हमेशा हमेशा उसका पालन करूंगा। आपके प्यार आपके सहयोग से मैं हर एक सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैंने जो कसम खाई है, मैंने जो शपथ ली है, उसकी हमेशा हमेशा उसका पालन करूंगा। आप मेरा वादा है। कितने संघर्षों के बाद मिली हुई आजादी का ये 50वां साल गिरा है जिसको हम आज मनाने जा रहे हैं। इस राष्ट्र के लिए जो जनता ने कुर्बानियां दी हैं, देश के आजादी के इस 50वें सालगिरह के समारोह में मैं आप लोगों से खास बात करने जा रहा हूं। हमारे इस देश के सामने चाहे छोटी हो चाहे बड़ी ताकत भले ही हो, हम उसका सामना करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक तैयार रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये विनायक राव अपने शरीर के खून के एक एक कतरा बहा देगा आपकी सेवा में। क्या रे विलास राव, चल माफ कर दो मुझे। तुझे मौत से डर लग रहा है ना कुत्ते, लेकिन दूसरों को मारता है तू। तूने मुझसे बोला था ना कि तू मुझसे 4 गुना ज्यादा बड़ा हत्यारा है, वो सब तूने इन्हीं हाथों से किया है ना। आज मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। मौत सामने देखकर आज तुझे डर लग रहा है कमीने, जबकि ना जाने कितने बेकसूरों की हत्या की है तूने।
तेरे ही कहने पे तेरे पाले हुए पुलिस वालों ने बेचारे मासूम अप्पू को मार डाला। बोल तूने अपने 50 साल के गंदे राजनीतिक जीवन में कितने मासूमों की बलि दी है? बोल हरामी, बोल, बोल, बोल कुत्ते, तूने कितने मासूम बच्चों को मार कर उनकी बाहों को तड़पने और रोने पे मजबूर किया है? बोल कमीने, आज तुझे सबके सामने ये कबूल करना पड़ेगा, सबके सामने ये सच सच बताना पड़ेगा कि तूने अप्पू जैसे कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है, तूने कितने पाप किए हैं इस प्रजा के सामने, तू बोल। जकीर यू, ए बलराम, वो स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट, एक्स एमएलए, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कमीने, कोई नहीं बचेगा। रमन भाई जैसे देवता इंसान जिसने की भूल से भी कभी किसी का कोई नुकसान नहीं, उसको तुम लोगों ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। अगर तूने उनको नहीं मारा होगा तो आज तेरी गर्दन इन भुजाओं में नहीं होती। तूने ऐसे लोगों को मारा है जो तुमसे कमजोर थे, तुमसे लड़ नहीं सकते थे, और तुमको ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करवाना चाहिए था, लेकिन तुमने इनकी सुरक्षा पुलिस डिपार्टमेंट से करवाई। तुमने पुलिस को इन कुत्तों को बचाने में यूज किया, स्टेट की पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स को तुमने इन हरामियों की हजामत के लिए यूज किया, इन्हें बचाया तूने। नाउ कम ऑन, सामना कर, सामना कर, सजा कर। नो नो, कमीने, आई एम अ क्रिमिनल, यस आई एम अ ब्लडी क्रिमिनल। बहुत से लोगों को मारा है इस जाकिर हुसैन ने, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा, कभी किसी मजबूर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाकिर हुसैन ने। मैंने मारा है उन लोगों को जो इनके जैसे कमीने थे, इनके जैसे दरिंदे थे, हत्यारे थे, इनके जैसे अपराधी थे। यह काम इस प्रशासन और कानून को करना चाहिए था, लेकिन वो सबके सब नाकाम थे, इसलिए इन जैसे अपराधियों को मारा इस जाकिर हुसैन ने। आई एम अ क्रिमिनल। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भी इन लोगों के जैसा अपराधी हूँ, देशद्रोही हूँ, तो आप लोग इसके लिए मुझे दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, और ये जाकिर हुसैन को कबूल होगा, और इसको मरते दम तक अपना नेता बनाए रख सकते हैं, और बार बार इनको सत्ता पर बैठा सकते हैं, और इनके अनैतिक कानून को बर्दाश्त कर सकते हैं। नाउ कम ऑन, शूट मी, शूट मी, कम ऑन, शूट। नहीं चला सकते तो यहाँ से चले जाइए, मुझे मारिए या इसे मारिए या फिर चले जाइए, चले जाइए। मिस्टर जाकिर हुसैन, यू मस्ट कम आउट नाउ। जाकिर हुसैन, कम आउट नाउ। नहीं भाई, बोल तुम्हारे नाम। जाकिर हुसैन, लिसन टू मी, this is the last warning for you. District collector here, sir. नहीं सर, मुझसे जो बनेगा सब करूंगा। Sir, the situation is... Hey, रुको, आगे नहीं बढ़ना कोई। Zakir Hussain, this is the last warning for you. Hey, don't move. Hey, put your arms down. Put your arms down, I said. हथियार मत उठाओ, फेंक दो उसे। तुम्हें कानून की इज्जत करनी होगी। hey, कौन सा कानून? किस कानून की बात कर रहा है तू? कौन से कानून को जनता माने? मुझे बता, कौन से कानून की जनता इज्जत करे, जबकि कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ते हैं? तो कोई आती है जनता क्यों माने तेरा ये कानून? बकवास है, तुम्हारा कानून एक 6 साल के बच्चे को चोर, स्मगलर, अपराधी और हत्यारा बनाने से नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाया, तुम्हारा ये कानून नहीं रोक पाया। And out of my respect for the laws of this land, मैं यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के प्रजा की भलाई के लिए, I am going to execute this bastard. No, no, Zakir, no, Zakir. Amit. No. Arjun. No. No, Zakir. Zakir, please. Please, Zakir, no, no. Zakir, no, no. No, Zakir. No. मेरी बात सुनो,
तुम्हारा कानून एक मासूम बच्चे को चोर, स्मगलर, हत्यारा और अपराधी बनने से नहीं रोक सका, लेकिन आज के बाद इस देश में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। एक हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तान और अखंड हिंदुस्तान, ऐसा होगा असली कानून। और ऐसे कानून को आज से मैं लागू करने जा रहा हूँ, और उसी कानून को मानेगा ये जाकिर हुसैन, और सब मानेंगे। वो एक ऐसा कानून होगा जो देश के लाखों मजबूर, गरीब, असहाय और पूरी प्रजा का दुख दूर करेगा, और उसी कानून के तहत ये जाकिर हुसैन ऐसे अपराधियों को दंड देगा, सजा देगा। हामिद, कम ऑन। नहीं, आज इस जनता की अदालत में इस विलासराव, इस बलराम और देव देवन को उनके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। नहीं, ए हथियार नीचे रखो, बोला ना, हथियार नीचे रखो, ए हथियार छोड़ो और पीछे जाओ, पीछे जाओ। जकीर भाई, जकीर भाई, प्लीज प्लीज, जकीर भाई नहीं, जकीर भाई नो, आई नो यू हैव नो राइट टू। जानता हूं कि इन जैसे कमीनों को सजा देने का अधिकार जकीर हुसैन को नहीं है। आई हैव नो राइट्स, लेकिन यहाँ की जनता को तो है, यहाँ के प्रजा को तो है, उन लोगों को है जिन्हें की इन लोगों ने गुमराह किया है। और उसी प्रजा से गुजारिश करता है ये जाकिर हुसैन कि वो इन लोगों को सजा दे। नो 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 Sorry, but I am not sorry for what I did. Alhamdulillah.